और आज आप देखने वाले हैं आपकी साइन के लिए इस साल का रीडिंग, 2021 का रीडिंग आप देखने वाले हैं। और आज हम काफ़ी ज़्यादा अलग अलग आपके आपके लाइफ के अलग अलग एरियाज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, पर्पस, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, पर्पस, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। उसी के साथ साथ मंथ आफ्टर मंथ हर महीने का आपका कैसा होगा, आपका हर महीना 2021 का, वो भी हम देखने वाले हैं। और यू नो, जिस तरह से ये सारे, मतलब ये रीडिंग थोड़ा लेंथी होने वाला है, आपको शायद देखकर ही पता चल गया होगा। और इतने ज़्यादा अलग अलग क्षेत्र होने वाले हैं डिस्कस करने के लिए, इसीलिए मुझे लगता है कि शायद आपको कभी हो सकता है कि चलो भाई फैमिली का क्या होने वाला है वो देख लेते हैं, या फिर लव लाइफ में क्या होने वाला है, बीच बीच में से अगर आपको देखना है तो उसके लिए टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए गए हैं इस वीडियो के नीचे, ओके, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरी बात मुझे जो आपसे बतानी है कि देखिए, लाइफ में जो प्रेडिक्शंस होते हैं, मतलब के जो भविष्य कथन होता है, कुछ भी पत्थर में लिखा हुआ नहीं होता है। आप जिस तरह का बर्ताव करते हैं, आप जिस तरह के कर्म करते हैं, उसके आधार पर आपका भविष्य लिखा जाता है। और इसीलिए यहाँ पर मैं आपके साथ काफ़ी बातें करने वाली हूँ, जहाँ पर कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, ओके। और अच्छा और बुरा, चाहे जो भी है, वहाँ पर आप किस तरह की एक्शन लेते हैं उसके हिसाब से आपका भविष्य लिखा जाएगा। उसी के साथ आपको सबसे बेस्ट भविष्य अगर आपको बनाना है, उसके लिए यहाँ पर गाइडेंस दिया होगा कि जो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगली बात आपको बताऊँ कि ये जो वीडियो है आपको एक बार में याद रहने वाला नहीं है, और इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखिए, ताकि बार बार अगर आपको आकर इस वीडियो के कुछ भाग देखने पड़ जाए, या फिर ये पूरा वीडियो आपको देखने को पड़ जाए, तो आप आसानी से वापस आ सकते हैं, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करके रखा है तो। और सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आप या मुझसे सब्सक्राइब है, ओके। और अगली बात आपको बताऊँ, आप खाना खाते खाते, कॉफ़ी पीते पीते, जो चाहे आप उस वो करते करते आप रीडिंग देख सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपको कभी मैं बताती हूँ कि ये चीज़ करने से आपकी लाइफ सुधरेगी, ये क्रिस्टल पहनने से आपकी लाइफ सुधरेगी, तो वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। जितनी भी लिंक्स की मैं बात करती हूँ, जैसे कि क्रिस्टल्स की अगर बात की है, तो क्रिस्टल का स्टोर, कहाँ से आप क्रिस्टल बाय कर सकते हैं, उसकी वो सारी लिंक्स इस वीडियो के नीचे मैं डाल दूँगी, ताकि आप उसे अच्छी तरह से एक्सेस कर पाए, ओके। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेल्थ का रीडिंग। इंसान होने के नाते सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपकी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छा कर रही है, अगर आपकी सेहत अच्छी है, तो दुनिया का किसी भी तरह का चैलेंज आप उसे सामना कर पाएंगे, अच्छी तरह से आप उसे फेस कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो शायद आपके पास अगर करोड़ों रुपये भी है, तो भी आप उसके मज़े नहीं उठा पाएंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं आपकी हेल्थ 2021 में कैसे रहने वाली है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर कार्ड बताता है कि आपको अपनी हेल्थ को आपको बैलेंस में रखना आवश्यक है इस पूरे साल भर में, ओके। और बैलेंस में रखने के लिए इसी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ों की हम बात करेंगे, क्या करने से हेल्थ सुधर सकती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब हम देखेंगे, ये सभी जो अलग अलग ऑप्शंस है उसमें। उसी के साथ एक बात आपको बताऊँ कि यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि आप कभी भी आपकी लाइफ में मतलब 2021 में कुछ भी अगर आप देखते हैं, स्पेशली हेल्थ के लिए कुछ है, तो वो चीज़ आजमाने से पहले आपको उसे अच्छी तरह से देख लेना है। और यहाँ पर कार्ड बताता है कि अगर आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज़ है, जिसके लिए आप काफ़ी लंबे समय से आप या तो फिटनेस ट्रेनर के पास जा रहे हैं, या फिर आप काफ़ी समय से थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर रुक कर देखना आवश्यक है कि जिस तरह का रिज़ल्ट उन्होंने प्रॉमिस किया, क्या उस तरह का आपको रिज़ल्ट मिल रहा है, या फिर आपको थेरेपिस्ट बदलने की आवश्यकता है, ओके। तो यस, ये एक बात ज़रूरी है। उसके बाद ओके, सी अब किसी भी तरह का उपाय मैं आपको देती हूँ, तो आपको
किसी एक्सपर्ट की सलाह के बाद उसे फॉलो करना है। ओके, यहाँ पर मैं टैरो के द्वारा बता रही हूँ, लेकिन आपको अगर आपकी हेल्थ में कुछ इश्यू है तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही कुछ बदलाव लाने हैं। यहाँ पर मैं जो भी कह रही हूँ आपको सबसे बेस्ट समझना है कि आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर क्या बताया गया है। अगली बात आपको बताऊं सी, शादियों में अगर आप जाते हैं, किसी के जन्मदिन की पार्टी पर जाते हैं, तो हो सकता है काफ़ी अनहेल्दी खाना वहाँ पर हो, काफ़ी अनहेल्दी खाना हो सकता है, अनहेल्दी टाइमिंग्स हो सकते हैं कि जो आप आपकी हेल्थ के लिए अच्छे ना हो। तो देखिए, यहाँ पर सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उनको आप ना अटेंड करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन उसी के साथ साथ आपको ये सारे सामाजिक कार्यक्रम अटेंड करते हुए आपको एक बात याद रखनी है कि आपको कि आप अपनी हेल्थ के लिए जो अच्छा है बस वही करते हैं। ओके, चाहे सी सामाजिक कार्यक्रम, मतलब कि जैसे अगर किसी के यहाँ पर शादी है, किसी का जन्मदिन है, आप वहाँ पर सेलिब्रेट करने जाते हैं। यूजुअली मुझे पता है इंडिया में क्या होता है कि किसी की भी शादी में आप जाओ और नज़दीक के कोई व्यक्ति है जिसकी शादी है, तो वो कहते हैं अरे अरे नहीं, यू नो, खीर तो आपको खानी ही पड़ेगी, रसगुल्ले तो आपको खाने ही पड़ेंगे, ये तो आपको खाना ही पड़ेगा, ऐसा कर करके यू नो बहुत सारी अनहेल्दी चीज़ें खिलाई जाती है। आई डोंट नो इसे किस तरह का अच्छा व्यवहार कहते हैं। अगर आपको पता है कि आप जो खिला रहे हैं, अगर वो ज़्यादा मात्रा में व्यक्ति ने खा लिया, आपके मेहमान ने खा लिया, तो उसके लिए, उसकी जान के लिए, उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर ये किस तरह का अच्छा व्यवहार है। ओके, इसे किसी भी तरह से अच्छा व्यवहार नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्ड बताता है कि अगर कोई भी फॉर्मेलिटी से एक भी अगर आपको ऐसा कहता है, आपको पता है कि आपकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, और आपको अपनी हेल्थ के हिसाब से ही खाना खाना है। ओके, खाना खाना है, जो भी आपको अच्छे से ऑफर किया जाता है आप उसे रिस्पेक्टफुली भी आप मना कर सकते हैं। ओके, तो यस, तो ये था आपके लिए। और एक और बात आपको बताऊं कि आपके घर में भी ऐसे, आपके घर में हो सकता है कि घर में किसी की शादी हो सकती है या फिर घर में किसी की जन्मदिन की पार्टी हो सकती है, जिसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आप ले सकते हैं। सी, अगर जन्मदिन की पार्टी तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत बड़े लेवल पर आप करते हैं तो हाँ, वो स्ट्रेसफुल हो सकती है। किसी की शादी अगर घर पर है तो फिर घर के लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, और अगर आपके घर में शादी होने वाली है या फिर आपके नज़दीक के किसी व्यक्ति के घर में शादी होने वाली है, तो वो आपके लिए फैमिली वेडिंग जैसा हो गया, जहाँ पर आपको खुद को फैमिली मेम्बर की तरह आपको मदद करनी पड़ेगी। तो अगर सी मदद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ उसके लिए काफ़ी हेल्थ के ऊपर स्ट्रेस पड़ सकता है, जिसके लिए कार्ड्स बताते हैं आप जितना हैंडल कर सकते हैं बस उतना ही कीजिए। ओके, बिकॉज यहाँ पर जैसे मैं बताऊँ कि सी आपको अच्छे से सोच समझ कर स्टेप्स लेना बहुत आवश्यक है। देखिए, अगर आपको किसी के शादी ब्याह में कंपलसरी बुलाया जाए मदद करने के लिए, तो मुझे बताएं सी, ये थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि भाई ये तो सेल्फिशली सोचना हो गया, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने आपको कभी मदद नहीं किया है, तो आप क्यों भाई अपनी हेल्थ को ख़राब करते हो उनकी मदद करने के लिए। ओके, तो अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति जो सच में जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आपके लिए वो हाज़र नहीं होते हैं, वो आपको पहला प्रेफरेंस नहीं देते हैं, तो हो सकता है कि आप उनको इतना ज़्यादा टाइम ना देना पसंद करें। ओके, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ कि आपको पूरी तरह से मना कर देना चाहिए, लेकिन आप उन्हें अच्छी तरह से जितना समय आप दे सकते हैं उतना दीजिए, उसके बाद आप अच्छे से मना भी कर सकते हैं, राइट, कि चलो भाई इतने टाइम के बाद हम आपको मदद नहीं कर पाएंगे, राइट। सो यस, तो वो था आपका हेल्थ का रीडिंग। अब चलिए देखते हैं लव लाइफ। अब ज़्यादातर यू नो दूसरे बहुत सारे एरियाज ज़रूरी होते हैं लाइफ के, लेकिन उसी के साथ साथ लव लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है प्यार की वजह से इंसान पूरी तरह से अपनी लाइफ में हिल जाता है, और इसीलिए हेल्थ के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लव लाइफ। ओके, और प्यार कितना ज़्यादा आपको, मतलब या प्यार के लेवल पर हम बात करने वाले हैं इस साल 2021 में, क्या आपके लिए जानना आवश्यक है। ओके, तो सबसे पहली बात है सी, लव लाइफ में मुझे किसी तरह की रुकावट लग रही है। ओके, अब अगर आपकी शादी हो चुकी है, अगर आप किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे लगता है शायद रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर प्रॉब्लम्स नहीं हैं तो शायद प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, और ओके, और अगर प्रॉब्लम्स ऑलरेडी बढ़े हुए हैं तो वो शायद यू नो ठीक नहीं हो सकते हैं जल्दी से।
तो आप कहेंगे अरे यार ये कैसा रीडिंग आप बता रहे हो साल का साल भर का। सी अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जो जल्दी से नहीं जाने वाले हैं, वो आपके लिए बैड न्यूज़ नहीं है। लाइफ में क्या होता है कि जब आप अच्छी तरह से किसी किसी भी क्षेत्र में जब आप अच्छा इनपुट देते हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट अवश्य मिलता है। और अगर हो सकता है सी आपका जो रिलेशनशिप वाला जो एरिया है, लव लाइफ वाला जो एरिया है, हो सकता है कि आपने आज तक उसे इग्नोर किया था और अब इतनी मतलब हम कहते हैं ना खतरे की घंटी बज चुकी है कि अब आप अपनी लव लाइफ को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ओके, और इसीलिए कार्ड्स बताते हैं कि आपको लव लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। और लव लाइफ में सबसे पहले आपके पास्ट लाइफ का कोई रिलेशनशिप जो आपके लिए शायद यहाँ पर आ सकता है आपकी लव लाइफ में। दूसरी बात आपको बताऊँ, अब ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ ही हो सकता है, और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपको बताऊँ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी लाइफ में लेकर आता है। ओके, या भले नेगेटिविटी लेकर आता है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ सबसे ज़्यादा डीप कनेक्शन आपको महसूस होगा। आप कहेंगे अरे अब हमको करना क्या है, बिकॉज सबसे ज़्यादा डीप कनेक्शन भी महसूस हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी भी फील हो रही है, तो करना क्या है। सी अगर आपके पार्टनर के साथ आपको रिलेशनशिप में अगर या पार्टनर के साथ ही ये रिलेशनशिप है, तो आप उसमें से पॉजिटिवली आपको पॉजिटिवली उस रिलेशनशिप को हैंडल करना है। लेट सपोज कि अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आपके पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, वहाँ पर उनका उस पार्टनर के साथ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है कि जो काफ़ी ज़्यादा आपके जीवन में भी टॉक्सिसिटी फैला रहा है। ओके, तो दोनों केसेस में इट इज़ नॉट गुड। अब अगर आप आपके पार्टनर का किसी और के साथ रिलेशनशिप है या आपका किसी और के साथ रिलेशनशिप है, तो इट इज़ नेसेसरी कि अगर एक्स्ट्रा मार्शल रिलेशनशिप है, या फिर आप छुपते छुपाते अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से अतिरिक्त किसी और से मिल रहे हैं, एक तरह से तो यह गलत बात होती है, तो वो आपको करना बंद करना है। ओके, बिकॉज लव लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल नहीं कर सकते हैं। लव इज़ ओनली मेंट फॉर वन पर्सन। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात आपको बताऊँ, आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग सकता है कि आप अपने दिल की नहीं कर पा रहे हैं, आपका माइंड टोटली ओवरटेक कर रहा है, आपका माइंड बिल्कुल आपके ऊपर आपको नियंत्रित कर रहा है, और आपको ज़रा भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने दे रहा है। या फिर हो सकता है कि आपकी परिस्थिति ही कुछ ऐसी बन गई है कि जो आपको अपने हिसाब से कुछ ना करना पड़े, अब बस धंसते जाते हैं उस परिस्थिति में। तो यहाँ पर भी कार्ड बताता है कि अगर आप अपने दिल की सुनते हैं, छोटी से छोटी बात भी अगर सुनते हैं, तो आपके रिलेशनशिप के लिए बेहतर होगा। बिकॉज इंसान यूजुअली अगर किसी के भी साथ अगर रिलेशनशिप में है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर आप जिसको प्यार करते हैं उसको हर्ट करना है, तो आप अपने दिल की ना सुनो, आप अपने प्यार की ना सुनो, और आप मतलब बिल्कुल आपके सिर में आपका जो ईगो आपको जो कह रहा है वही सुनते जाओ। ओके, ईगो और हार्ट को कैसे सुनना है उसके ऊपर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली देख सकते हैं। दूसरी बात आपको बताऊँ, को डिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। एक तो मैंने जैसे कहा कि पास्ट लाइफ वाला कुछ इफेक्ट शुरू हो गया है आपकी लव लाइफ में, दूसरी बात है कि आपको किसी तरह का एडिक्शन हो सकता है। और एडिक्शन की बात करें जैसे कि व्यसन, हाँ, किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ की बुरी आदत, तो वो आदत कुछ भी हो सकती है। किसी को शराब की आदत होती है, किसी को ड्रग्स की आदत होती है, और आप कहेंगे नहीं, हमको तो ऐसी कोई आदत नहीं है, तो आपको एक बहुत चौंका देने वाली बात कहूँ कि फेसबुक और व्हाट्सएप, वो भी एक तरह का एडिक्शन होता है। जहाँ पर मैंने सी जस्ट बिकॉज मैं टैरो करती हूँ, मैंने काफ़ी लोगों को कंप्लेन करते हुए सुना है, प्रीति ये तो जब घर आते हैं बस व्हाट्सएप खोल कर बैठ जाते हैं, मेरे साथ वो बात ही नहीं करते हैं। ओके, तो ये भी हो गया को डिपेंडेंसी, आप इतने ज़्यादा एडिक्टेड है व्हाट्सएप और फेसबुक से कि आप शायद अपने घर के ऊपर, अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। ओके, तो उसको भी आपको केयरफुल रहना है। कुछ समय दीजिए, यस व्हाट्सएप पर कुछ इंपॉर्टेंट हमारे मैसेजेस आते हैं तो वो ज़रूर देखिए, लेकिन वहाँ पर आप पूरी लाइफ नहीं बिता सकते हैं। ओके, तो थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद उसमें से बाहर निकल आइए। स्क्रीन टाइम करके एक बहुत ही अच्छी ऐप होती है कि जो आपको दिखाती है
कितना समय आप अपने फोन के ऊपर बिताते हैं, ओके? और आप देखकर काफी चौंक जाएंगे कि आप कितना समय बिताते हैं। यूजुअली सबको लगता है नहीं नहीं मैं तो बस 5 मिनट के लिए हम देख रहे हैं, इतना ज्यादा समय नहीं, शायद 2 घंटे भी इससे भी अगर व्हाट्सएप पर जो बैठे थे वो भी अपने आप को कहते हैं कि नहीं नहीं बस 5-10 मिनट ही देख लिया। तो स्क्रीन टाइम इज़ अ वेरी गुड ऐप कि जो आपको अपना स्क्रीन मतलब मोबाइल का स्क्रीन कितने समय तक ऑन रहा वो आपको देखने में मदद करेगा, और कौन कौन सी ऐप के ऊपर आप क्या ज़्यादा समय बिता रहे हैं वो आपको जानने को मिलेगा। अब आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं कि जो सिंगल हो सकते हैं, आप कहेंगे अच्छा यहाँ पर हमारे लिए क्या हो रहा है सी, मुझे लगता है कि आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में पास्ट लाइफ में किसी तरह का रिलेशनशिप था कि जिसका नेगेटिव प्रभाव आपके प्रेजेंट लाइफ के ऊपर हो रहा है, जिसकी वजह से आपको कोई पार्टनर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं हो रहा है, किसी के साथ अच्छे से बन नहीं रहा है। हो सकता है कि आपको किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, किसी चीज़ की लत लग सकती है, लेकिन आप एडिक्शन करने के लिए तैयार है लेकिन अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं है, जो ये कार्ड्स बता रहे हैं लव लाइफ के लिए। अब आप कहेंगे अच्छा इसमें क्या करना है, एडिक्शन छोड़ना है। जैसे मैंने कहा जिस भी चीज़ का एडिक्शन है उसे हो सकता है, देखिए शराब, अगर शराब है ड्रग्स है तो उसको तो कम्प्लीटली छोड़ देना है, लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक है तो वहाँ पर कभी कभार कुछ इंपॉर्टेंट लोग होते हैं तो कम से कम समय वहाँ पर दीजिए। दूसरी बात है कि आप जितना अपने हृदय की सुनते हैं उसके ऊपर जैसे मैंने कहा एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है तो वो आप ज़रूर देख सकते हैं, ओके? तो वो आप तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें कि वो क्या है। और या तो ये था आपके लिए हेल्थ के बारे में रीडिंग, ओके? तो आशा रखती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। और सी मुझे ये हेल्थ का रीडिंग नहीं था, लव लाइफ का रीडिंग था, ठीक है? अब लव लाइफ में मैंने आपको मुझे पता है काफ़ी अलग अलग बात कही, लेकिन अगर वो सारी चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हैं तो आप अपनी लव लाइफ को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे, ओके? दूसरी बात हम अब अगला हम एरिया देखते हैं जो है फैमिली लाइफ, ओके? अब फैमिली के बारे में बहुत पॉजिटिव इस बार रीडिंग्स में आए हैं कार्ड्स, और जो आपको बता दूं पहली बात फैमिली के लिए जो आई है सी, जो नेगेटिव बात है बैड न्यूज़ पहले दे देते हैं उसके बाद अच्छी बातें बताती हूँ, ओके? पहली बात के फैमिली के लिए पहले तो इस साल पैसे बहुत ही कम रहने वाले हैं, ओके? जो भी पैसे आपके पास है इसीलिए सबसे केयरफुली उसे यूज़ कीजिए। पैसे की बात आई, दूसरी बात फैमिली की अगर बात करें तो हो सकता है फैमिली में किसी व्यक्ति को ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए हेल्थ की वजह से पैसे खर्च करने की, वहाँ पर भी काफ़ी पैसे खर्च हो सकते हैं, इसीलिए जितना हो सके इतना पैसे के ऊपर आप नियंत्रण रखें, ओके? पैसा हो सके तो बिल्कुल खर्च ना करें, पहली बात, ओके? दूसरी बात यहाँ पर यह है कि फैमिली में कुछ ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर काफ़ी नेगेटिविटी आप अनुभव कर सकते हैं, ओके? और सी मुझे ये बात पता है कि आपको हमेशा फैमिली के साथ एकजुट रहना चाहिए, फैमिली हमेशा हर अप्स एंड डाउन्स में फैमिली के साथ रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स कुछ इस तरह का प्रॉब्लम दिखा रहे हैं कि फैमिली के साथ कुछ ऐसा इश्यू हो सकता है जहाँ पर फैमिली का कोई एक व्यक्ति या फैमिली के 2-3 व्यक्ति ऐसी नेगेटिविटी पकड़ कर बैठ जाएंगे कि वो ज़रा भी उसमें से उठना नहीं चाहेंगे और उसमें से वो बाहर आना भी नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि आपको अच्छी तरह से अपने आप को उसमें से बाहर निकाल देना है, बिकॉज आप उस नेगेटिविटी को नहीं सह आपको वो नेगेटिविटी नहीं सहनी है, ओके? बिकॉज वो आपके लिए अच्छी नहीं है। दूसरी बात आपको बताऊं, तीसरी बात आपको बताऊं कि फैमिली में पैसे स्टडी करने के लिए, ओके? आपका फैमिली में जो इन्वेस्टमेंट है उसे और ज़्यादा आप सुधारने के लिए, उसे और बेहतर करने के लिए, उसे सिक्योर करने के लिए आप कुछ ना कुछ आपको अवश्य करना पड़ेगा इस साल, ओके? अब यूजुअली लोग सिक्योर कैसे करते हैं, जैसे किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ओके? कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं किसी तरह का लॉन्ग टर्म मनी का इन्वेस्टमेंट करना है आपको, और आपको बताऊं कि अच्छी तरह का इन्वेस्टमेंट ये होगा कि आप हेल्थ इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस में आप इन्वेस्ट करें, बिकॉज कार्ड्स यही कह रहे हैं कि अगर नेगेटिविटी बढ़ गई तो शायद हेल्थ के ऊपर असर कर सकता है, कि जिसको अगर आप सिक्योर करना चाहते हैं तो अच्छा है कि आप लॉन्ग टर्म हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान कहीं पर किसी तरह का हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान हो तो वो आप करें। दूसरी बात, ओके, ये था बैड न्यूज़, ओके? अब चलिए देखते हैं फैमिली में गुड न्यूज़ क्या है।
गुड न्यूज़ जैसे मैंने कहा कि पैसे इकट्ठे करने के लिए, फैमिली में पैसे ज़्यादा लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस साल। हो सकता है कि घर से दूर रहकर भी आपको मेहनत करनी पड़ जाए, विच इज़ परफेक्टली फाइन, और बहुत ज़्यादा हद तक हो सकता है कि आपको जाना ही जाना पड़े। ओके, आपको ट्रेनिंग करने के लिए भी कहीं दूर भेजा जा सकता है कि जिसके लिए आपको तैयार रहना है, बिकॉज़ वो आपको जाना ही पड़ेगा। अगली बात आपको बताऊं, फैमिली में किसी तरह की शादी, किसी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है। अब ये सेलिब्रेशन सी पहले जो कार्ड था, हेल्थ का जो रीडिंग था, उसके भी रीडिंग में आया था कि किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन हो सकता है कि जो फैमिली में होगा, और यहाँ पर फैमिली के रीडिंग में भी सेम बात आई है। ओके, तो ये किसी भी तरह का सेलिब्रेशन या बड़ा सेलिब्रेशन की जो शायद फैमिली के लिए बहुत मायने रखता हो, किसी नज़दीक के व्यक्ति की शादी हो सकती है, किसी की बड़ी एनिवर्सरी, जैसे कि 25 साल वाली एनिवर्सरी, या फिर किसी का बड़ा प्रमोशन हो सकता है कि जिसके लिए आपको बड़ी पार्टी देनी पड़ जाए। तो किसी भी तरह का सेलिब्रेशन फैमिली में हो सकता है। ओके, और जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि इस साल फैमिली में फैमिली के लिए आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, और इसीलिए अगर ऐसा कोई बड़ा आपका आपके आपके फैमिली में कोई अगर ऐसा सेलिब्रेशन होता है, तो हो सकता है कि आपको बहुत ही संभाल कर पैसे आपको इस्तेमाल करने पड़ जाए। ओके, अगली बात आपको बताऊं, कोई किसी तरह की नई शुरुआत यहाँ पर दिख रही है। अब ये नई शुरुआत मुझे लग रहा है कि फैमिली में किसी की शादी हो सकती है, और कोई नया व्यक्ति आप घर में लेकर आ सकते हैं, या फिर अपने घर के किसी मेंबर को आप किसी के घर पे विदा कर सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी एक सिनेरियो हो सकता है। कोई घर में कोई नया व्यक्ति आएगा, उसमें किसी का जन्म होगा, ये भी कह सकते हैं। अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है तो बच्चा ज़रूर, ऑब्वियसली दैट इज़ वेरी बट ऑब्वियस, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो बच्चा ज़रूर पैदा होगा। तो या उस तरह से भी नया व्यक्ति आपके घर में शामिल हो सकता है, और या फिर हो सकता है कि कोई सिंगल था कि जिसकी शादी, या फिर जिसको आप रिलेशनशिप में कमिटेड कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपके लिए फैमिली का रीडिंग, और आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। जस्ट इन केस फैमिली में बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिविटी बढ़ जाए, ओके, आपको अपने आप को उस नेगेटिव परिस्थिति में से बाहर निकालना है। यहाँ पर कार्ड्स क्या कहते हैं, दिस सिचुएशन डजंट सर्व यू। जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अगर आपको महसूस हो फैमिली के रिलेटेड, वहाँ से उस परिस्थिति से आपको दूर हट जाना है, पीछे हट कर लेना है, चाहे लोग कुछ भी कर ले। ओके, आपको कुछ भी कह ले, आपको फिर भी पीछे हट करना है। रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम एंड कंसिडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपको इच्छा हो सकती है वो झगड़ा करने की, आपको अपनी बात सिद्ध करने की इच्छा हो सकती है, जो यहाँ पर कार्ड्स कहते हैं कि वो ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ाएगी, और इसीलिए आपको अपने आप को पीछे हटाना है उससे। ओके, चलिए अब देखते हैं रिलेशनशिप्स। अब ये ऐसे रिलेशनशिप्स है कि जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ओके, आप कहेंगे ये कैसी बात है। सी, लाइफ में हमारी फैमिली होती है, जो हमारे करीबी फ्रेंड्स होते हैं। हाँ, आप कहेंगे अच्छा रिलेशन्स में कौन कौन आए। आपके फैमिली में आप जो लोगों को आप बहुत ज़्यादा नज़दीक मानते हैं, उनको आप फैमिली में गिन सकते हैं। जैसे कोई फ्रेंड्स है, चंद गिने चुने, एक या दो फ्रेंड्स जिसको आप अपनी फैमिली के जैसे मानते हैं, तो आप उनको उसमें फैमिली में गिने। ओके, ये रिलेशन्स जो है, दीज आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स। ये कोई ऐसे रिश्ते हैं कि जो आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। ओके, लेकिन ये रिश्ते फिर भी आपके आसपास मौजूद होते हैं, और इसीलिए इनके बारे में रीडिंग देखना आवश्यक है। तो या सबसे पहली बात यहाँ पर कार्ड बता रहा है कि स्ट्रेंथ एंड एडवर्सिटी। अब ये कौन से रिलेशंस हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके दूर के फ्रेंड्स हो गए कि जो ओके फॉर्मेलिटी वाले फ्रेंड्स हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, सामाजिक कुछ लोग कि जो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा तो नहीं लेकिन हमेशा कुछ नुक्स निकालने अवश्य आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए है ये रीडिंग। पहली बात है स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी। आपको कभी भी अगर चीज़ें मुश्किल लगने लग जाए, तो कार्ड्स बताते हैं कि आपको एक तरह से स्ट्रांग रहना है, स्पेशली दूसरे रिश्तों के साथ। ओके, जो रिश्ते आपका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चाहते। आपको एक कड़वा सत्य बताऊँ कि रिलेटिव्स, रिश्तेदार कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो सबसे ज़्यादा आपके लिए दुश्मनी वाले फीलिंग्स रख सकते हैं। ओके, कुछ रिश्तेदार, सब नहीं,
लेकिन हाँ, कुछ रिश्तेदार, बहुत ही गिने चुने कुछ रिश्तेदार हैं कि जो आपको आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भावना रख सकते हैं, आपसे काफ़ी ईर्ष्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी मैंने आपको नेगेटिव बात बताने के लिए नहीं, लेकिन उससे कैसे निपटा जाए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये कार्ड कहता है कि चाहे जो भी हो जाए रिश्तेदारों के साथ, दूसरे रिश्तों के साथ, आपको स्ट्रेंथ बनाए रखनी है, आपको भीतर से स्ट्रेंथ बनाए रखनी है। ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट्स, अगर किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा होता है आपको उससे दूर रहना है। ओके, बिकॉज सी अगर किसी कोई कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, वहां पर किसी व्यक्ति को अपने आप को सिद्ध करना है कि उसी को सही साबित होना है, तो वो तब तक लड़ता रहेगा जब तक बाकी के सब लोग हार ना मान ले। और इसीलिए ऐसी लड़ाई में जो जहां पर किसी का पक्ष ही नहीं सुना जाए, वो लड़ाई ही क्यों करनी है। लड़ाई अगर हेल्दी तरह से की जाए तो सबका पक्ष सुनना आवश्यक है, और जिसकी बात सबसे बेस्ट है उसकी बात सुनी जाएगी। ऐसा यूजुअली होता है चैलेंजिंग सिचुएशन में, लेकिन यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि किसी के साथ अगर ऐसा झगड़ा होता रहे कि जहाँ पर किसी की बात ना सुनी जाए और बस वो व्यक्ति एंडलेसली अपनी ही बात सही साबित करने की इच्छा कर कि या की कोशिश कर रहा है, तो आपको अपने आप को उस ड्रामा में से बाहर निकालना है। ओके, तीसरी बात बताओ, डिटर्मिनेशन इन कॉम्बैटिंग ईविल। काफ़ी आपके आपके आसपास या रिलेशंस में जितने भी लोग नेगेटिव हैं, जो भी लोग आपका बुरा चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सुनिश्चित होना है और ये बात निश्चित करनी है कि वो लोग आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। ओके, और एस्केपिंग द नेगेटिव इन्फ्लुएंस, या तो किसी भी तरह का अगर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है आपको उससे बचना है। ओके, और यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सॉल्यूशंस देखने वाले हैं, तो आपको अवश्य कुछ सॉल्यूशंस मिलेंगे। यहाँ पर सबसे बेस्ट सॉल्यूशन तो यह है कि झगड़े में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, वो सॉल्यूशन है यहाँ पर। ओके, सी यहाँ पर एक और बात बताऊँ कि अगर कोई व्यक्ति आपको आपसे झगड़ना चाहता है, वहाँ से आपको अपना मुंह फेर लेना है, लेकिन आपको अपनी सारी जो ऊर्जा है, अपनी सारी जो शक्ति है, उसे आपको एक पॉजिटिव पॉजिटिव लेवल पर आपको इकट्ठे करना है ताकि आप उसका कुछ अच्छा कर सके। ओके, तो या तो ये बात आपको याद रखनी है। और अगर कोई भी व्यक्ति आपका बुरा चाहता है, उस व्यक्ति से आपको दूर रहना है। ओके, बिकॉज कुछ लोग सी ऐसे लाइफ में ऐसे कुछ लोग होते हैं, कई बार अगर किसी के बुरे कर्मों की वजह से किसी को कुछ नहीं मिला है, तो शायद वो जो भी करते रहते हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी अवश्य दिखाई देगी, लेकिन आप ऐसे लोगों से बस अपने आप को दूर रखिए। ओके, अगली बात आपको बताऊं कि यहाँ पर हम वेल्थ मतलब मनी के लिए हम रीडिंग देखने वाले हैं, पैसे के लिए कैसा होने वाला है ये साल 2021। पहली बात आपको बताऊं, यहाँ पर क्लियरली नहीं बताया गया है कि बहुत ज़्यादा पैसे आने वाले हैं। ओके, और इसीलिए जो आपका इनकम सोर्स है वो वैसे का वैसा रहेगा, वैसे का वैसा रहेगा। उसी के साथ साथ एक और बात आपको कहूँ कि आपको अपने पैसे जो है बहुत संभाल कर रखने हैं, जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं बहुत संभाल के इस्तेमाल करनी है। कैसी चीज़ें, मतलब कि मोबाइल फ़ोन है आपका, कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको उन्हें संभाल कर यूज़ करना है। बिकॉज़ जैसे मैंने कहा, 2021 में कोई खर्चा आपको नहीं करना है, बिकॉज पैसे ज़्यादा नहीं है। ओके, मतलब पैसे ज़्यादा नहीं है, मतलब जितनी आपको आवश्यकता है उतने अवश्य है, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि कोई ज़्यादा बड़ा पैसे का फ्लो नहीं आने वाला है, जिसकी वजह से जो पैसे आपके पास है उसको आपको संभाल कर इस्तेमाल करना है। ओके, पैसे का हमने देख लिया। उसके बाद दूसरी बात हम देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि पैसे ज़्यादा नहीं है। ओके, मतलब पैसे बहुत ज़्यादा नहीं आने वाले हैं, नॉर्मल है। जब भी लोगों को ये बताया जाता है कि आपके जीवन में इस साल में ज़्यादा पैसे नहीं है, तो अपने आप से रुष्ट हो जाते हैं, पता नहीं अपने आप के साथ बुरा बर्ताव शुरू कर देते हैं, अपने आप के साथ पता नहीं क्या क्या दुष्ट व्यवहार शुरू कर देते हैं। तो कार्ड सबसे पहले कहते हैं कि बी जेंटल विथ योर सेल्फ, अपने आप के साथ नरमी से पेश आना है। ओके, भले आपके लिए रीडिंग में जो भी आए, रीडिंग में नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, आपको अपने आप के साथ पॉजिटिवली रहना है। दूसरी बात, कल्मिनेशन ऑफ विजन। कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं कि आपको ये साल जो है पैसे पैसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन पैसे कैसे आते हैं,
आप जो अपनी विजन जो है, आपका जो विजन जो है, जो उसे जब आप क्लियर करते हैं तो वो विजन एक तरह से आपका पर्पस बन जाती है और आपके जीवन में ज्यादा पैसे लेकर आती है। ओके, और हाँ यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं अश्योरेंस एक तरह से दिया जा रहा है कि आपको पैसे कम नहीं पड़ने वाले हैं। अब यू नो या ये बात भी मुझे बहुत ध्यान से बतानी होती है, बिकॉज काफ़ी लोगों को जब ये बताया जाए कि हाँ पैसे कम नहीं होने वाले हैं तो इतने ज़्यादा फिजूल खर्च करते रहते हैं, फिर जब पैसे कम पड़ जाए तब कहते हैं कि अरे मैडम आपने तो कहा था पैसे कम नहीं पड़ेंगे। तो सी आपको बता दूँ, अगर बिल गेट्स भी अपने पैसे अगर ऐसे ही व्यर्थ जगह पर खर्च करने लग जाएंगे तो उसके भी पैसे कम पड़ जाएंगे। इसीलिए बता रही हूँ कि आपको पैसे गलत जगह पर खर्च नहीं करने हैं। ओके, ये यहाँ पर बताया गया है, गलत जगह पर अगर खर्च नहीं किया और पैसे बहुत ज़्यादा संभाल कर इस्तेमाल किए तो कार्ड्स आपको बताते हैं कि आप अच्छी तरह से पैसे सेव कर पाएंगे। ओके, अच्छे पैसे आपके पास बच पाएंगे साल के अंत तक भी। ओके, तो या तो ये था आपके लिए वेल्थ का रीडिंग। अब देखते हैं कि आपका करियर इस साल कैसा रहने वाला है। ओके, आपका करियर, आपका जॉब, अगर आप जॉब करते हैं तो, अगर आप बिजनेस करते हैं तो, अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी हम देखेंगे कि क्या आपका करियर लेकर आया है। और चलिए सबसे पहली बात आपको बताऊं कि आपको सबसे पहली बात करियर की वजह से कहीं पर जाना पड़ सकता है, जो कहीं ना कहीं एकाद फैमिली वाले रीडिंग में भी आया था कि यू नो पैसे कमाने के लिए, पैसे के लिए कुछ कुछ काम करने के लिए आपको कहीं पर ट्रेनिंग के लिए या फिर किसी तरह का पता नहीं क्या काम के रिलेटेड जाना पड़ सकता है, जो यहाँ पर वापस बताया जा रहा है। ओके, करियर के कार्ड में ये जो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हो सकता है आपके लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ने के लिए शायद कहीं पर जाना पड़ जाए, तो ये भी हो सकता है। अगली बात, दूसरी बात, कार्ड्स ये बताते हैं कि आपको करियर में पहले आपको शायद किसी तरह का फेलियर मिल चुका है, किसी तरह का सेटबैक मिल चुका है, जिसकी वजह से आप काफ़ी डर डर के आगे बढ़ सकते हैं। कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं कि आपको किसी भी तरह से डरना नहीं है। ओके, ये कार्ड बताता है कि किसी तरह से डरना नहीं है, आप जहाँ पर भी आप जहाँ पर जिस तरह भी है, जो फेलियर आपने देखा है वो फेलियर वापस नहीं आएगा, लेकिन उस फेलियर में से सीखकर आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कदम ज़रूर ले पाएंगे अपने भविष्य में करियर के लिए। ओके, अगली बात आपको बताऊँ, रेडी सेट एंड गो, नाउ इज़ द परफेक्ट मोमेंट टू डाइव इनटू एंड एम्ब्रेस योर हार्ट्स डिज़ायर। तो आपके दिल की जो इच्छा है, सी मुझे काफ़ी हद तक ये लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं कि जो शायद अपने पर्पस के ऊपर काम करने के लिए कुछ अलग छलांग लगा सकते हैं, जो यहाँ पर मुझे लग रहा है। पर्पस का रीडिंग हम अवश्य देखने वाले हैं। तो या ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से तैयार हैं वो करने के लिए, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। मदर हीलिंग आपको एक बात बताऊँ कि लाइफ में जो बच्चा जो होता है, बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति है उसकी माता और उसके पिता। माता और पिता से जिस तरह का व्यवहार वो सीखता है, वही उस बच्चे का भविष्य बन जाता है। अब ये बात काफ़ी इसी, अब कई बार जब मैं ये बात बताती हूँ रीडिंग्स में तो काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता, सबको लगता है कि नहीं नहीं मेरे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं। सी आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू कि आपके पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, हर एक व्यक्ति के पेरेंट्स सबसे बेस्ट कोशिश करते हैं कि उसको, अपने बच्चों को वो सबसे बेस्ट लाइफ दे सके, लेकिन उस वो सब करते हुए भी यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि जो पेरेंट्स होते हैं आखिर में वो मनुष्य ही है, और मनुष्य बहुत ज़्यादा भूल कर भी सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स की भी कोई भूल हो सकती है। और हाँ कई बार जो पेरेंट्स जो होते हैं उनको पता नहीं चलता है, लेकिन जो छोटा बच्चा है साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के सिग्नल्स वो अपने अंदर ले लेता है, और इसीलिए यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद मम्मी के साथ का आपका रिश्ता कहीं ना कहीं उस पर किसी तरह का काम करने की ज़रूरत है। आप कहेंगे कैसा काम, तो कई बार माँ के साथ आपकी जो एनर्जीज है उसे बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो कोई हिप्नोथेरेपिस्ट आपकी मदद कर पाएगा, कोई रिकी मास्टर जो है वो आपकी मदद कर पाएगा, वो ज़रूर आपको कंसिडर करना है। एक और बात आपको बताऊं कि अगर हेल्थ में कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, क्रॉनिक इश्यू है या फिर कोई और हेल्थ का इश्यू है, तो वहाँ पर थेरेपिस्ट के साथ साथ आपको हेल्थ एक्सपर्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको ज़रूर उस हेल्थ एक्सपर्ट की भी आपको सलाह लेनी है। ओके, मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आपको सिर्फ किसी थेरेपिस्ट के पास, हिप्नोटिस्ट के पास जाकर अपने पूरे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट। ओके,
चलिए अगली बात आपको बताऊं कि ओके, तो माँ के लिए हीलिंग करना आवश्यक है। अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपकी स्टडीज खत्म होने को आ रही है और अब आप किसी तरह से ट्रेनिंग में उतरने वाले हैं, ओके। और वहाँ पर आप काफ़ी डरे हुए भी हो सकते हैं, सहमे हुए हो सकते हैं, कि बिकॉज आपको बिल्कुल नहीं पता है कि वहाँ पर कैसा व्यवहार करना है, कैसे आपको उस ट्रेनिंग में उत्तीर्ण होना है, ये आपको नहीं पता है। तो आपको डरना नहीं है, सबसे पहले कांच तो यही बताते हैं कि डर कर आपको कुछ भी नहीं करना है अपने करियर में, ओके। चलिए अब देखते हैं पर्पस। अब आप कहेंगे पर्पस और करियर दोनों अलग कैसे मैंने यहाँ पर रीडिंग में डाला है। सबसे पहले करियर और पर्पस यूजुअली एक ही होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अब की दुनिया में एजुकेशन जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कभी भी व्यक्ति को पर्पस के लिए तैयार नहीं करता है, वो सिर्फ व्यक्ति को पैसे कमाने के लिए तैयार करता है। वो जी हाँ, पैसे भी एक तरह से ज़रूरत है लाइफ की, तो उसको तो हम टोटली नकार नहीं सकते हैं, लेकिन यार जैसे भी हम कहते हैं कि पर्पस के बारे में भी जानना आवश्यक है, बिकॉज जब तक आप पर्पस पर काम नहीं करेंगे तब तक आपको भीतर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, ओके। चलिए आपको एक बात बताऊं, सबसे पहली बात यहाँ पर बताई गई है, सी मुझे लग रहा है कि आपके करियर में आपको किसी तरह का कोई पर्पस आपके मन में है कि जो आपको बहुत ही स्ट्रांगली फील होता है कि ये आपका पर्पस है, ओके। और या किसी तरह का आपके जॉब में किसी व्यक्ति के साथ या फिर आपका बिजनेस में किसी तरह का पार्टनरशिप में आप है कि जो आपको या तो आपको किसी के साथ पार्टनरशिप में उतरने की इच्छा हो सकती है, हो सकता है कि ये एज अ साइड बिजनेस आपको करने की इच्छा हो, ये भी परफेक्टली फाइन है। यू हैव कम इन टू योर ओन न्यू पार्टनरशिप्स और कॉन्ट्रैक्ट्स, कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, ओके। तो कार्ड बताते हैं कि जो भी आप नया आप करते हैं इस साल पर्पस के लिए, उसमें आपको आगे बढ़ते रहना आवश्यक है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको काफ़ी ये महसूस हो सकता है कि दूसरे लोग आपको गिराने की कोशिश कर सकते हैं, आपको कहीं आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको ये भी बताने की कोशिश कर सकते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि आपको किसी की भी बात में नहीं आना है, आपको गिव अप नहीं करना है, ओके। कार्ड्स बता रहे हैं कि प्रोटेक्ट दैट विच यू हैव क्रिएटेड, हैव करेज एंड बिलीव इन योर सेल्फ। कार्ड बताता है कि अपने आप में विश्वास करना आवश्यक है, और अगर आपको अपना पर्पस सार्थक करना है तो वहाँ पर तो आपका खुद का ही विश्वास ज़रूरी है, बिकॉज दुनिया का कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मानेगा जब तक आप उसे साबित नहीं कर देते हैं तब तक, ओके। अगली बात देखते हैं यहाँ पर, कार्ड ये बताता है कि आपको किसी तरह से एक तो जस्टिस वाला कार्ड है, जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि आपको आपका पर्पस ये है कि आपको दूसरों को जस्टिस दिलवाना है। अब मुझे पता है जस्टिस मतलब न्याय, न्यायालय में काम करना है या फिर न्यायाधीश का काम करना है, लॉयर का काम करना है, वकील का, या लॉयर और वकील एक ही होते हैं। तो योर करियर ब्रिंग्स फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन टू अदर्स हु नीड योर हेल्प। तो यहाँ पर मुझे किसी तरह से लग रहा है कि आपको किसी को जस्टिस दिलाने के लिए काम करना है, ये भी हो सकता है, या तो आपको खुद अपने पर्पस के साथ जस्टिस करना है। सी काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि जो जिनको अगर करियर की बात की जाए, जिनको अगर पर्पस की बात की जाए, तो हमेशा उसको नकार देते हैं। वो कहते हैं हम जो कर रहे हैं उसी में हम खुश हैं। वो यूजुअली होता है कि जो नॉर्मली उनको बताई गई बात है, लेकिन उनको अगर वो गहराई पूर्वक अपने हृदय में झांके तो शायद कहीं ना कहीं वो अपने आप से ना खुश है, अपने करियर से ना खुश है। कार्ड्स यहाँ पर कहते हैं कि आपको आपको अपने आप को मुक्त करना है ऐसी भावना से। अगर आप ना खुश भी है अपने करियर से या फिर टोटली खुश नहीं है, कुछ और करने की आवश्यकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रीली उसे स्वीकारना ज़रूरी है, ओके। दूसरी बात आपको बताऊं कि इग्नाइट योर लाइफ, ओके। अब ये कार्ड क्या कहता है कि विथ कॉन्फिडेंस एंड लविंग माइंडफुलनेस यू क्रिएट अमेजिंग चेंजेस फॉर योर सेल्फ एंड ऑल दोज अराउंड यू। तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा कहता है कि आपके भीतर की जो लाइट है, उस लाइट को आपको प्रज्वलित करना है, और उस लाइट से आप अपना पर्पस की ओर आपको काम करना है, ओके। और जिस तरह से आप अपने पर्पस की ओर काम करेंगे वो आपको मदद करेगा दूसरों के भी जीवन में हाँ लाइट, दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए। विथ कॉन्फिडेंस एंड लविंग माइंडफुलनेस, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका अगर पार्ट टाइम में अगर आपको कुछ करना है या फिर सेकंड करियर के लिए अगर आपको कुछ करना है, मुझे काफ़ी हद तक ये लगता है कि कहीं किसी तरह का स्पिरिचुअलिटी में कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं कि जो आप अपना सेकेंड करियर बना सकते हैं या फिर अपना पर्पस बना सकते हैं।
माइंडफुलनेस मतलब किसी को आप मेडिटेशन करना सिखा सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको मेडिटेशन करने आना चाहिए। यू क्रिएट अमेजिंग चेंजेस फॉर योर सेल्फ एंड ऑल दोज अराउंड यू, तो वो आपको सीखना आवश्यक है। और दूसरों, हो सकता है आपको सीखना है, उसके बाद दूसरों को सिखाना है, दूसरों को क्लासेस करवाना है, ये भी हो सकता है। यू आर माइंड बॉडी एंड स्पिरिट, अ फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन। रिमेंबर टू नर्चर ईच एस्पेक्ट ऑफ फॉर अ होल एंड हेल्दी यू। ओके, तो ये कार्ड यहाँ पर बताता है कि आपको माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों के ऊपर पहले खुद काम करना है, जिसके बाद आप अपने पर्पस के लिए, आप अपने पर्पस को हासिल करने के लिए आप रेडी हो जाएंगे, अपने पर्पस के पाथ पर, नॉट हासिल करने के लिए, पर्पस के मार्ग पर आप चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके, तो ये था आपके लिए पर्पस के ऊपर वीडियो, और आशा रखती हूँ कि ये आपको अच्छा लगा। चलिए देखते हैं स्पिरिचुअलिटी में आपको क्या करना आवश्यक है इस साल। अब यू नो स्पिरिचुअलिटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गाइडेंस बताया गया है। जैसे मैंने आपको पहले कहा मदर्स हीलिंग, कि मदर्स हीलिंग वाला भी कुछ है, यहाँ पर उसी तरह से फादर्स हीलिंग है। ओके, मतलब कहीं ना कहीं आपका माता और पिता के साथ किसी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है कि जो आपके ऊपर इफेक्ट करता है। आपके पिता के साथ का जो रिलेशन है वो आपको स्पिरिचुअली इफेक्ट करता है, और करियर के लिए शायद जो मैंने आपसे कहा था यू नो वो आपकी आपकी माँ के साथ जो हीलिंग की आवश्यकता है उसकी वजह से आपके करियर के ऊपर असर पड़ रहा है। ओके, तो जी हाँ, वहाँ पर आपको वो बात याद रखनी आवश्यक है। और योर रिलेशनशिप विद योर फादर नीड्स हीलिंग, तो हाँ उसके ऊपर आपको काम करना है। आप कहेंगे अच्छा हमें कैसे करना है, तो मदर और फादर वाला जो रिलेशनशिप है उसके रिलेटेड आपके मन में कितनी भी नेगेटिव भावना है वो आपको अपने आप से दूर करनी है। ओके, उसके लिए आप कौन सी टेक्निक अपना सकते हैं, EFT। EFT नाम की एक टेक्निक है कि जिसके ऊपर मैंने कुछ समय पहले वीडियो बनाया था, आप ज़रूर वो वीडियो देखकर यू नो उस टेक्निक के ऊपर काम कर सकते हैं। कि जी हाँ, जिससे आप जिस किसी भी तरह की नेगेटिविटी, अगर पेरेंट्स के लिए अगर आपने अपने मन में छुपा कर रखी है कहीं पर यू नो तो वहाँ पर वो नेगेटिविटी के साथ आप डील कर पाएंगे। ओके, अगली बात आपको बताऊँ कि सी यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपको अपने आप के साथ जुड़े रहना है। ओके, आपको अपने आप के प्रति सच्चाई पूर्वक बर्ताव करना है। ये कार्ड बताता है ट्रूथ ऑनेस्टी इंटेग्रिटी इज़ वॉट एवर यू डू एंड बिलीव इज़ अ मस्ट सो दैट यू कैन इवॉल्व टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, तो ये आपको दिखाता है कि किसी तरह की सच्चाई आपके लिए बहुत आवश्यक हो सकती है, और ये जो सच्चाई है ट्रुथ ऑनेस्टी इंटेग्रिटी आपके लिए, अगर आप जितना भी सच आप स्वीकार करते हैं और जितने सच्चे आप बनते हैं उतना आपके लिए ये साल ज़्यादा आसान हो जाएगा। सी अगर आपको बताऊं कि आप कितने सच्चे रहते हैं, कितने ऑनेस्ट रहते हैं, मतलब कितने ज़्यादा मतलब ईमानदार रहते हैं अपने आप के साथ, अब इसका क्या मतलब है? अगर आपको नेगेटिव महसूस होता है तो अपने आप को झूठ मत बताओ कि नहीं नहीं नेगेटिव नहीं महसूस हो रहा है। ओके, अगर किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, मुझे पता है कि गुस्सा आना अच्छी बात नहीं है, आपके अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर गुस्सा आ रहा है तो आपको उस फीलिंग को नकारना भी नहीं है। अपने आप के साथ आपको पहले तो ऑनेस्ट रहना है, वफादार रहना है, ईमानदार रहना है, नॉट वफादार। और हाँ, तो अपने आप को आप स्वीकार सकते हैं पहले तो हाँ, कि कहीं ना कहीं आप बुरा महसूस कर रहे हैं। मैंने कुछ समय पहले यू नो किसी को बताया था कि क्या आप ऐसा कुछ महसूस करते हैं, अब आई डोंट नो कि आपको पता है कि नहीं, अगर किसी भी तरह की अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के रिलेटेड क्या साइकोलॉजिकली आपके माइंड में चल रहा है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आया है वो बहुत क्लियरली बताया जा सकता है। ओके, तो उसी तरह का कोई थॉट पैटर्न था कि जिस किसी व्यक्ति के लाइफ में उनके स्किन के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, तो मैंने उनको जस्ट पूछा कि क्या आपके माइंड में ऐसा चल रहा है, तो नहीं नहीं मेरे माइंड में तो ज़रा भी ऐसा नहीं है। ओके, तो सी अब ये मैंने खुद ने नहीं बनाया है, ये एक्चुअली बनी, ये बहुत सालों से यू नो ये चलता आ रहा साइंस है। तो वहाँ पर वो जो व्यक्ति है वो अपने आप से ही ईमानदारी से स्वीकार नहीं रहे थे कि उनके विचार क्या होते हैं, उनको बस वही लगता था कि वो हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। सी ये बात माननी बहुत अच्छी बात है कि आप पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली नेगेटिव सोचते हैं, अगर आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिलती रहती है और फिर भी आप कहते हैं नहीं नहीं मैं तो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं,
तो आपको वहाँ पर अपने थिंकिंग पैटर्न में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है, ओके? और इसीलिए सबसे पहले उसमें बदलाव आप कैसे लाएंगे, सबसे पहले आप ईमानदारी से उस बात को स्वीकारो कि आपको क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या अच्छा लगता है, वो बात आप जब स्वीकारो उसके बाद आप उस बात को जो अच्छा नहीं लगता है उसमें आप सुधार ला सकते हैं, ओके? तो या उसके बाद हम क्या यहाँ पर देखते हैं कि ओके आपके या ब्राह्मण्स वर्क इज बॉर्न ऑफ हिज नेचर क्वालिटीज पीसफुलनेस सेल्फ कंट्रोल एसेटिज्म फॉरगिवनेस ऑनेस्टी लर्निंग विजडम एंड फॉर्म फेथ. आपको ये सारी क्वालिटीज जो है पीसफुलनेस मतलब कि शांति, सेल्फ कंट्रोल आत्मनियंत्रण, फॉरगिवनेस माफ़ी या किसी को माफ़ी देना, खुद को माफ़ करना, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, लर्निंग सीखना, विजडम विवेक बुद्धि रखना और फर्म फेथ गॉड के ऊपर पूरा भरोसा करना. तो ये सारी बातें आपको इस साल अपने अंदर पालते रहना है, ओके? ये सारी बातों के ऊपर आपको काम करना है. ये लोग कई बार मैं वीडियोस बनाती हूँ, वीडियो में ऑलरेडी सोल्यूशन दिया जा रहा है और उसमें भी नीचे कमेंट्स करके लोग पूछते हैं अच्छा तो इसके लिए क्या करना है. तो यहाँ पर ये बात ऑलरेडी बताई गई है कि लाइफ में इस साल में 2021 में जितना हो सके उतना शांत रहना है, जितना हो सके इतना सेल्फ कंट्रोल के ऊपर काम करना है, जितना हो सकता है उतना माफ़ी देना है और अपने आप को माफ़ करना है, ओके? और ये कोई ऐसी बात नहीं कि एक चुटकी में हो जाए, यहाँ पर आपको दिन ब दिन आपको काम करना है और इसीलिए ये सारी बात पहले तो याद रहनी बहुत आवश्यक है. तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो ये सारी बातें लिख दीजिए कि जिसके ऊपर आप आपको हमेशा ये सारे क्वालिटीज़, ये सारे गुण अपने भीतर ज़्यादा लाने हैं, ओके? कौन कौन से गुण? शांति है, सेल्फ कंट्रोल है, फॉरगिवनेस है, ऑनेस्टी है, लर्निंग विजडम एंड फेथ, ओके? तो जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं ये वाला कार्ड, आई वॉक विद द एसेंडेड मास्टर्स. अब यू नो अगले या 2021 का जो साल है, किसी भी तरह से आपको कभी भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है कि एसेंडेड मास्टर्स. अब एसेंडेड मास्टर्स मतलब कौन कौन? जैसे कि जीसस है, कृष्णा है और या बुद्धा है. तो ये सारे एसेंडेड मास्टर्स के बारे में जब भी आप सोचेंगे तब तुरंत आप उनसे कनेक्ट हो पाएंगे. अब एसेंडेड मास्टर्स किस तरह से मदद करते हैं? ये जो है ये सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने धरती पर जन्म ले लिया है और इसीलिए उनको पता है कि मानव जीवन की कठिनाइयों से कैसे ऊपर उठा जा सकता है. और इसीलिए अगर आप कठिन समय में एसेंडेड मास्टर्स के साथ कनेक्शन करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल पाएगा, ओके? तो या तो ये था आपके लिए स्पिरिचुअलिटी के ऊपर रीडिंग. चलिए अब देखते हैं महीने दर महीने आपके लिए क्या क्या लेकर आ रहा है 2021, ओके? तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर है जनवरी का महीना. जनवरी के महीने में क्या हो सकता है और आपको क्या करना पड़ सकता है कि जिससे आपका वो महीना ज़्यादा बेहतर हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जिससे आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है. सबसे पहली बात क्या नहीं करना चाहिए, ओके? झगड़े से दूर रहना है, किसी के साथ झगड़े में उतरने से दूर रहना है, ओके? मुझे काफ़ी हद तक ये लगता है कि आपको ये ज़रूर महसूस हो सकता है कई बार कि अरे अरे नहीं नहीं यहाँ पे तो बोलना बहुत आवश्यक है. वहाँ पर आप हो सकता है किसी के भी साथ झगड़े में उतर सकते हैं और वो झगड़ा, आपको एक बात बताऊँ, वो झगड़ा कभी ख़त्म नहीं होगा और पूरी तरह से आपको थका देगा वो झगड़ा और इसीलिए उस झगड़े में आपको उतरना नहीं है, ओके? दूसरी बात आपको बताऊँ कि एंजल ऑफ बैलेंस, आप जितना ज़्यादा आप संतुलित रहेंगे, ओके? जितना ज़्यादा आप संतुलित रहेंगे उतनी आपकी सेहत बैलेंस्ड रहेगी. जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप किसी के साथ झगड़े में नहीं उतरते हैं तो वहाँ पर आप अपने आप को संतुलित रख पाएंगे, ओके? और जितने आप संतुलित रहते हैं उतने आप अपनी सेहत को और ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे, ठीक है? चलिए उसके बाद अगली बात करते हैं, फोकस अपॉन द डिवाइन एंड परफेक्ट हेल्थ. सी, मुझे काफ़ी हद तक ये लगता है कि जनवरी में कुछ ना कुछ हेल्थ का इश्यू आपको हो सकता है, हेल्थ का प्रॉब्लम कुछ हो सकता है और इसीलिए यहाँ पर काज सबसे पहले आपको बताते, देखो ये काज जो सल्यूशन बताते हैं, आपको किसी भी थेरेपिस्ट से आप मिलो, डॉक्टर को आप मिलो, वो जो आपको कहते हैं वो करना है, उसी के साथ साथ ये भी करना है, ओके? हेल्थ में अगर इश्यू है तो यहाँ पर कार्ड्स कहते हैं कि फोकस अपॉन डिवाइन एंड परफेक्ट हेल्थ.
तो यहाँ पर आपको हेल्थ में बहुत अच्छा पॉजिटिव इमेजिनेशन करना है, बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन करना है कि आपकी हेल्थ सुधर रही है। और गॉड एंड आर्क एंजल माइकल थैंक यू फॉर कंटिन्यूसली रिमाइंडिंग मी टू फोकस अपॉन परफेक्ट हेल्थ। आपको आर्क एंजल माइकल को और गॉड को ये प्रेयर करना है कि आपको ये कंटिन्यूसली आपको जो याद दिला रहे हैं कि आपको अपनी सेहत को अच्छा रखना है, आपको अपनी फोकस अपॉन परफेक्ट है, आपकी सेहत बहुत परफेक्ट है, वो बात के ऊपर फोकस करवाने के लिए कंटिन्यूसली उनको थैंक यू कहना है। दूसरी बात, फॉर गाइडिंग माई एक्शंस सो दैट दे सपोर्ट माई वेलबींग। देखिए ये महीना ऐसा होने वाला है जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इच्छा हो सकती है अनहेल्दी चीज़ों में उतरने की, ओके कुछ अनहेल्दी खाना खाने की इच्छा हो सकती है, या तो पता नहीं क्या खाने की इच्छा हो सकती है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी के साथ झगड़ा आप मोल लेंगे तो भी आपके ऊपर अफेक्ट करेगा, आपके ऊपर असर करेगा, ओके तो उस बात से आपको केयरफुल रहना है। अगली बात आपको बताऊं कि गो फॉरवर्ड फियरलेसली, ओके सबसे पहले यहाँ या आखिरी बात जो यहाँ पर बताई जा रही है, थैंक यू फॉर वॉकिंग विथ मी एवरी स्टेप ऑफ द वे, फॉर होल्डिंग माई हैंड, गिविंग मी कॉन्फिडेंस एंड करेज, एंड गिविंग माई थॉट्स एंड एक्शंस इन द डायरेक्शंस ऑफ लव एंड माई ट्रू लाइफ पर्पस। ओके तो यहाँ पर कार्ड ये बताता है कि आपको एंजल्स को और गॉड को थैंक यू कहना है ताकि वो आपको निडर होकर आगे बढ़ने के लिए मदद करे, ओके और आपको ये एफर्मेशन बोलना है। ये वाला जो एफर्मेशन मैंने आपसे कहा वो आपको बोलना है रात को सोने से पहले 3 बार बोलना है, सुबह उठने के साथ 3 बार बोलना है। जो एफर्मेशन मैंने कहा उसे आपको लिख देना है ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या बोलना है सोने से पहले, ओके तो क्या है एफर्मेशन, चलिए वापस एक बार देख लेते हैं। गॉड एंड आर्क एंजल माइकल थैंक यू फॉर कंटिन्यूसली रिमाइंडिंग मी। गॉड को और आर्क एंजल माइकल को थैंक यू कहना है कि आपको परफेक्ट हेल्थ के ऊपर फोकस करवाने के लिए धन्यवाद, और गाइडिंग माई एक्शंस सो दैट, ताकि और मेरी एक्शंस आप जिस तरह के कर्म करते हैं उसको भी गाइड करने के लिए धन्यवाद, ताकि वो आपको ऐसे ही कर्म करवाए, आपके पास ऐसे ही एक्शन वो लेने को आपको कहे कि जो आपके लिए अच्छा है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, ओके तो ये था आपके लिए जनवरी के लिए रीडिंग। चलिए अब देखते हैं फरवरी का महीना क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, ओके या फरवरी का महीना क्या कहता है आपको। तो सबसे पहली बात जो फरवरी का महीना कहता है कि यहाँ पर मुझे यहाँ पर वापस कोई हेल्थ का इश्यू लग रहा है, हेल्थ का कोई प्रॉब्लम लग रहा है कि जो आप आपके लाइफ में आड़े आ सकता है, और अगर आप किसी भी परिस्थिति के साथ हैंडल नहीं कर सकते हैं, यू नो हेल्थ का कोई इश्यू कि जिसको आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तो आपको आर्क एंजल माइकल की मदद लेना है। आस्क आर्क एंजल माइकल टू हेल्प यू विद दिस सिचुएशन। वापस बता रही हूँ कि अगर हेल्थ में कुछ ज़्यादा होता है तो पहले आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है, थेरेपिस्ट की सलाह लेनी है, आपके जो हेल्थ एक्सपर्ट है उसकी सलाह लेनी है, वो आपको जो सल्यूशन देते हैं या दवाई देते हैं या जो भी आपको करने को बोलते हैं उसी के साथ साथ आपको ये एफर्मेशन करना है। और एफर्मेशन है ये, आर्क एंजल माइकल थैंक यू फॉर असिस्टिंग मी विथ, जो भी परिस्थिति है उसके साथ आपकी मदद करने के लिए आर्क एंजल माइकल को थैंक यू कहिए। प्लीज़ हेल्प मी बी फिल्ड विथ फेथ एंड पीस। आपको हर बार फेथ मतलब के विश्वास और शांति से भरे रहने के लिए आपकी मदद करे, ओके ये बात आपको आर्क एंजल माइकल को बतानी है। दूसरी बात आपको बताऊँ कि सी ये जो महीना रहने वाला है वहाँ पर आप जितना अपने मन को शांत रखते हैं, जितना अपने मन को हल्का रखते हैं उतना आपके लिए अच्छा है, और इसीलिए सेंस ऑफ ह्यूमर, जितना ज़्यादा हंसना खिलखिलाना आप कर सकते हैं वो आप करिए, और जैसे मैंने कहा बैलेंस रखना बहुत आवश्यक हो जाएगा। यिन और यांग वाली एनर्जीज है उसे आपको बैलेंस करना पड़ सकता है। एक और बात बताऊँ कि ये जो महीना है हो सकता है कि आपका आपके लाइफ पार्टनर के साथ किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है इस महीने, जो भी प्रॉब्लम हो जाए दोनों का साथ में रहना बहुत आवश्यक है, ओके छोटी छोटी बात पर पता नहीं कुछ बड़ा डिसीजन ना ले लीजिए, जो कार्ड्स बताते हैं। अगली बात कि आपको गलत गलत तरह का व्यवहार करने की इच्छा हो सकती है, गलत तरह के एक्शंस, गलत तरह के कर्म करने की इच्छा हो सकती है। कार्ड्स ये बताते हैं अगर इच्छा होती है दैट इज़ ओके, लेकिन वो गलत व्यवहार आपको रियल में नहीं करना है, ओके एक आपको सीक्रेट बात बताऊँ, हर एक मनुष्य के अंदर, हर एक इंसान के अंदर
नेगेटिव भाव होता है और पॉजिटिव भाव भी होता है, और जब आप नेगेटिव भाव का साथ देते हैं तो आप यू नो अपने भीतर के डेविल का साथ देते हैं, और जब आप अपने अंदर के पॉजिटिव भाव का साथ देते हैं, पॉजिटिव एक्शन करते हैं, तो आप अपने अंदर के ईश्वर का साथ देते हैं, ओके? और लाइफ में जो भी आपको मिला है उसके लिए आपको अप्रिसिएशन ज़रूरी है। जो भी आपको मिला है, जो भी आपकी लाइफ में आपके पास है, उसके लिए अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, ओके? तो या तो सब ये था आपके लिए फरवरी महीने के लिए रीडिंग। चलिए अब देखते हैं मार्च का महीना क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, ओके? मार्च के महीने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको अपना स्वाधिष्ठान चक्र, दूसरा चक्र जो है उसके ऊपर आपको काम करना है, उसको कोशिश करके बैलेंस में रखना है ताकि आपके लाइफ में नॉर्मली बैलेंस बना रहे, ओके? सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात, आपको अपना जो थर्ड आई है, आपका जो अपना आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र जो भी है, पता नहीं लोगों को क्या क्या बुरा लग जाता है अगर आज्ञा को आज्ञा कही कहा गया है या फिर आज्ञा को आज्ञा कहा गया है, तो वट एवर इट इज़, आज्ञा चक्र जो है आपका, आपको अपने आज्ञा चक्र के ऊपर काम करना है, उसको आपको पावरफुल करना है। उसी के साथ आपको ये बताऊँ, ये जो महीना है यहाँ पर आपका जो थर्ड आई है वो भी काफ़ी पावरफुल हो सकता है, आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें बता सकता है थर्ड आई के द्वारा। पहली बात, कार्ड्स आपको कहते हैं कि बी जेंटल विथ योरसेल्फ, अपने आप के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करें। देखिए आगे भी एक आध कार्ड में आया था कि बी जेंटल विथ योरसेल्फ, यहाँ पर वापस आया है, ओके? और इसीलिए मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ नरमी से पेश आएं, ओके? कीप योर आइज ऑन टारगेटेड इंटेंशन, यहाँ पर जो भी आपका इंटेंशन है, जो भी आपको करना है उसके ऊपर आपको अपना ध्यान रखना है। अगली बात, यू क्रिएटेड दिस सिचुएशन एंड हैव द पावर टू चेंज इट, आपने इस परिस्थिति को बनाया है और आप ही इसे बदल सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मार्च के महीने में आप कोई ऐसी परिस्थिति बना सकते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी कर सकते हैं, या ऐसी परिस्थिति खड़ी हो सकती है कि जो आपको असंभव लगे टोटली, लेकिन यहाँ पर कार्ड जैसे बताते हैं कि अगर आपने ये परिस्थिति बनाई है तो आप उसे बदल भी सकते हैं, ओके? तो यस, ये एक बात है। उसके बाद कार्ड्स बताते हैं कि ये महीने में जो भी कुछ हो जाए, आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा, आपको अपने आप को काफ़ी बैलेंस्ड रखना है इमोशनली, ओके? इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड में आपको अपने आप को रखना है, काफ़ी स्टेडी रहना है। इमोशनली स्टेडी मतलब कि कोई आपको कुछ कहता है तो आपको उसकी बातों में आकर कोई कुछ गलत नहीं करना है, कुछ यू नो बैकफायर कुछ नहीं करना है, बड़ा रिएक्शन नहीं देना है, ये सारी बात ध्यान में रखिए। और ये कार्ड कहता है कि आपको मार्च के महीने में स्पेशली जब दूसरों के साथ आप कुछ दूसरे आपके साथ है किसी भी मामले में, करियर में या फिर घर में, आपको दूसरों की बात सुनना है, ओके? मुझे काफ़ी हद तक ये लगता है कि आप शायद किसी की बात ना सुनना पसंद करें, बस अपनी मनमानी करना पसंद करें, तो ये बात आपको नहीं करनी है, दूसरों की बात आपको सुननी पड़ेगी। एक और बात यू नो यहाँ पर आ रही है कि ये फूल का कार्ड है, मुझे यहाँ पर भी लग रहा है कि कोई नई शुरुआत हो सकती है। जैसे मैंने आपको कहा है कि आप में से कुछ लोग हैं कि जो अपना करियर की शुरुआत कर सकते हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि ये नई शुरुआत है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई करियर है, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आपका करियर में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव हो सकता है। हो सकता है कि आपको अपनी आपकी जॉब छूट जाए, जॉब छोड़नी पड़े, बिकॉज आपकी कंपनी को लोग कम करने हैं, पगार इतनी ज़्यादा नहीं दे सकते हैं इसलिए। और अब मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पर कि आपको कोई नया बिजनेस शुरू करने की इच्छा हो सकती है, जहाँ पर आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर आ चुके हैं। ज़ीरो लेवल पर कुछ और भी हो सकता है कि पता नहीं, यू नो आपकी हेल्थ के लिए भी हो सकता है कि आप ज़ीरो लेवल पर आ गए हैं और अब से आपको हेल्थ बिल्डअप करनी है, हेल्थ को सुधारना है, ओके? तो ये सारी बातें हो सकती है मार्च में, ओके? और चलिए देखते हैं अब अप्रैल का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, ओके? अप्रैल के महीने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं, सी यहाँ पर ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, और ये कार्ड बता रहा है केयरिंग कनेक्शंस। आप में से जितने भी लोग सिंगल हैं, अप्रैल में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है कि जिसके साथ आप किसी की तरह के रिलेशनशिप में उतर सकते हैं, आपका उसके साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छा मैच हो जाए, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं
तो आप दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ सकती है, आप दोनों को काफी ज्यादा समय मिल सकता है साथ बिताने के लिए। और जी हाँ, ये एक बात है, उसी के साथ आपको यहाँ पर ये एक कार्ड हो देख आप देख सकते हैं जो है कि प्रवास वाला कार्ड है। ओके, कहीं पर आप घूमने जा सकते हैं। मुझे ये भी लगता है कि आप में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो अपने पार्टनर के साथ कहीं पर घूमने की इच्छा उनको हो सकती है, तो या ये एक बात है। उसके बाद अगली बात कि ये महीने पैसे के लिए बहुत अच्छे हैं, मतलब कि आपके पास काफ़ी अच्छे पैसे रहेंगे इस महीने में, और ये भी हो सकता है काफ़ी अच्छे सेविंग्स में भी पैसे हैं। एक और बात बताऊं, ये जो कार्ड है ये कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ती है वो सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी इस महीने। ओके, तो ये एक बात है, प्रेयर विल हेल्प दिस सिचुएशन। सी, इस महीने में अगर कुछ भी बुरा होता है, यूजुअली सारी बातें अच्छी अच्छी बताई गई हैं, लेकिन अगर कुछ बात ऐसी होती है कि जो बुरी होती है, जो आपको अच्छी ना महसूस हो, तो ये प्रेयर आपको करनी है। ओके, ये प्रार्थना आपको करनी है। प्रार्थना क्या है? डियर गॉड एंड आर्कएंजल माइकल, गॉड और आर्कएंजल माइकल दोनों को प्रेयर करनी है कि या आई आस्क फॉर यू टू इंटरवाइन, आई आस्क योर डिवाइन इंटरवेंशन। आप उनका जो डिवाइन इंटरवेंशन है उसके बारे में आप रिक्वेस्ट करते हैं। आई वेलकम योर हेल्प एंड ट्रस्ट, आप उनकी जो मदद है उसको आप स्वीकारते हैं, और आप उसे आई ट्रस्ट एंड फॉलो योर गाइडेंस। आर्कएंजल माइकल और गॉड जो भी गाइडेंस आपको देते हैं आप उसको ट्रस्ट करते हैं और आप उसको फॉलो करते हैं। ओके, और विद ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस आप थैंकफुल रहकर, शुक्रगुजार रहकर उसे फॉलो करते हैं। आई नीड अ मिरेकल एंड आस्क दैट यू सेंड मी वन। ओके, आपको अपने जीवन में कोई चमत्कार चाहिए, जब स्पेशली जब लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तब, और आपको रिक्वेस्ट करनी है कि आर्कएंजल माइकल या गॉड, जिसके साथ भी आप अच्छे से कनेक्ट करते हैं, उनको आपको प्रेयर करनी है कि वो आपको वो मिरेकल लाकर दे, कुछ चमत्कार आपके जीवन में करने में आपकी मदद करे। एंड हाँ, उसके बाद आपको थैंक यू कहना है उन्होंने जो भी कहा उसके लिए। ओके, और डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन। ओके, आर्कएंजल माइकल आई आस्क यू टू यूज़ योर फ्लेमिंग स्वॉर्ड टू कट एनी अटैचमेंट। सी, जैसा मैंने कहा, कोई भी परिस्थिति अगर ऐसी है वहाँ पर आपको आर्कएंजल माइकल की हेल्प लेनी है, गॉड की हेल्प लेनी है। उसी के साथ साथ आपको आर्कएंजल माइकल को ये भी निवेदन अवश्य करना है कि आपको उस नेगेटिविटी से, उस नेगेटिव एनर्जी से आपको दूर हटाए। ओके, आपके भीतर से वो नेगेटिव एनर्जी अगर निकल रही है तो उसको अलग करे आपसे। और या गॉडेस ऑफ द मून, यहाँ पर ये कार्ड भी कहता है कि कहीं ना कहीं मून की जो एनर्जी है, चांद की जो ऊर्जा है, वो आपको कहीं ना कहीं मदद करेगी। तो आप चांद में बैठकर मेडिटेशन अवश्य कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको कहा है कि आपका या थर्ड आई के ऊपर आप काम करना शुरू कर सकते हैं, आई थिंक एक या दो महीने पहले कहा था। तो वहाँ पर अगर आप चांद के ऊपर मेडिटेशन करते हैं, चांद की चांदनी में मेडिटेशन करते हैं, तो भी आपके लिए अच्छा है। या पांचवा महीना मई महीने के लिए बताया गया है। कार्ड्स बताते हैं अपनी अपनी जबान पर अंकुश लगाना है। ओके, शब्दों पर अंकुश लगाना है, कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ अच्छे अच्छे शब्द बोलने हैं। यहाँ पर मई का जो महीना है उसके साथ आपका फैमिली के साथ आप छुट्टियाँ मनाने जा सकते हैं, या फिर फैमिली के साथ काफ़ी समय बिता सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और उसी वजह से यहाँ पर कार्ड बताता है कि अपनी अपनी जबान पर अंकुश लगाना है। यहाँ पर इस जैसे मैंने आपसे कहा कि फैमिली में कुछ कार्मिक ज़रूर हो सकता है, फैमिली का रीडिंग जो था उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि कुछ ना कुछ कार्मिक नहीं, लेकिन मैंने जैसे कहा था कि कुछ नेगेटिविटी अवश्य पनप सकती है, कि जिसके लिए आपको केयरफुल रहना है, और इसीलिए उस नेगेटिविटी से आपको अपने आप को दूर रखना है। किस तरह से? नेगेटिव कुछ भी नहीं बोलकर। ओके, उसके बाद आपको बताऊं कि फैमिली के सभी लोगों के सभी लोगों को यू नो अनकंडीशनली आपको एक्सेप्ट करना है, अनकंडीशनली स्वीकार करना है। कहीं पर भी आपको उनसे एक्सपेक्टेशंस अगर आप बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं, तो शायद आप फैमिली के साथ जो गेट टुगेदर करेंगे वहाँ पर भी आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप सब में परफेक्शन देखना चाहते हैं जो किसी भी मनुष्य में नहीं होता है। ओके, और या आपको एक बात बताऊँ, अगर कभी भी फैमिली के साथ प्रॉब्लम होता है मई के महीने में, ओके, मई के महीने में अगर फैमिली के साथ कभी भी प्रॉब्लम होता है, तो कार्ड बताता है कि आपको
हो सकता है काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनना पड़ जाए, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको भीतर से लगानी पड़ जाए, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आप उसको उसको उसका सामना करने के लिए आप तैयार होंगे। ओके, ये एक बात है। अगली बात आपको बताऊं कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। देखो, कोई ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है जहाँ पर आपको ये या कुछ ना कुछ आपके मन में शंका हो सकती है कि आपके जिसको आप प्यार करते हैं कि अब वो सुरक्षित है कि नहीं। तो ये कार्ड बताता है कि यू नो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है आपके और आप जिस आपके सबके आपके प्रियजन हैं सभी सुरक्षित हैं। अगर कभी भी कुछ नेगेटिव होता है तो योर इनर गाइडेंस इज़ रियल एंड ट्रस्ट वर्दी। सी मुझे काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स के ऊपर से ये लग रहा है कि आपको दिल से कुछ ना कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस ज़रूर मिलते हैं। ओके, और इसीलिए वो आपका इनर गाइडेंस है और कार्ड्स बताते हैं कि आपको अपने इनर गाइडेंस के ऊपर ट्रस्ट करना है बिकॉज वो सच में यू नो बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है। ओके, अगली बात आपको बताऊँ, राइट अबाउट योर थाट्स एंड फीलिंग्स। ओके, तो ये डायरी मेंटेन करने वाली प्रोसेस है कि अगर आप ये करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है इसमें कि आपका इनर गाइडेंस आपको क्या कहना चाहता है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग मई के महीने के लिए। अब देखते हैं जून का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जून 2021 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कार्ड्स जो कार्ड्स बताते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आप ना चाहे, कुछ अनिश्चित है, कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आप नहीं चाहते हैं, ये आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके बावजूद ये बदलाव ज़रूर होगा। ये बदलाव किसी के साथ कुछ भी, कोई किसी के साथ कोई रिश्ता टूट सकता है या फिर जॉब छूट सकती है। आई नो जॉब छूटने के बारे में मैंने पहले भी कहा था, लेकिन कुछ और है कि जो आप नहीं चाहते हैं लेकिन आपके साथ हो सकता है, जो होगा जून के महीने में। ओके, दूसरी बात आपको बताऊं कि इस महीने में यू नो आपको काफ़ी आपको काफ़ी इच्छा हो सकती है कि जो भी आपकी चीज़ें हैं वो बस आप लेकर भाग जाएं या फिर घर छोड़कर चले जाएं, ऐसी भी इच्छा हो सकती है, या फिर किसी चाहने वाले से दूर हो जाए, ये भी इच्छा हो सकती है। कार्ड्स ये बताते हैं कि आपको जो भी इच्छा होती है यू नो यहाँ पर चोरी छुपे कुछ भी नहीं करना है। ओके, दूसरी बात यू नो आपको इस महीने में जून का जो महीना है आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर आप अपना बर्थ स्टोन पहनते हैं तो। अब आपके लिए आपको कैसे पता है कि आपका बर्थ स्टोन कौन सा है, मैंने इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था बर्थ स्टोन के ऊपर, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया इस वीडियो के नीचे वो लिंक मैं डाल दूंगी आपके लिए, वहाँ से आप उस क्रिस्टल को खरीद पाएंगे। ओके, और इंडिया के लिए अलग लिंक होगा, आउट ऑफ इंडिया के लिए अलग लिंक होगा, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, और एक और बात आपको बताऊं कि आपका जो सहस्रार चक्र है उसको भी आपको नियंत्रित करना पड़ जाए इस महीने। सहस्रार चक्र के लिए एक स्टोन बहुत अच्छा होता है कि एमेथिस्ट जो स्टोन है, जब आप उसके ऊपर काम करते हैं, अगले पता नहीं एक आध महीने के रीडिंग में मैंने आपको बताया कि आपको अपने स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस करना है, उसके लिए कार्नेलियन स्टोन बहुत अच्छा है। वो दोनों जो नाम है उसको भी मैं इस वीडियो के नीचे रख दूंगी, ताकि अगर आप लेना चाहते हैं वो स्टोन्स तो आपको कौन से नाम से सर्च करना है वो आपको पता चले। तो एमेथिस्ट को आप जब अगर लेते हैं यू नो आपको उसको लेकर मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करने के समय आपको अपने मस्तिष्क के ऊपर वो स्टोन रखना है और मेडिटेशन करना है, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से आपकी मदद करेगा। आप कहेंगे मेडिटेशन कैसे करना है, मेरी चैनल के ऊपर कुछ ना कुछ वीडियोज़ मैंने बनाए हुए थे मेडिटेशन के ऊपर, जहाँ से जाकर आप वो मेडिटेशन डाउनलोड कर पाएंगे और हाँ आप यू नो उसे फिर हर रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर अगली बात क्या है। कार्ड्स कहते हैं लेट गो ऑफ फियर। जून के महीने में मुझे लग रहा है किसी तरह का डर आपके मन में हो सकता है कि जिससे आपको छुटकारा पाना है। दूसरी बात, यू आर ऑन द राइट पाथ। सी जैसे मैंने कहा कि कुछ आपके साथ ऐसा हो सकता है कि जो आप नहीं चाहते थे, और कहीं पर आपको कुछ करने की इच्छा हो सकती है कि जो आप करना चाहते हैं। ओके, कि जो आपको करना चाहिए, और कार्ड्स बताते हैं कि आप सही मार्ग पर हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो। और योर चिल्ड्रन आर वॉच्ड ओवर बाय द एंजल्स। अगर आपके घर में बच्चे हैं और आपको अगर टेंशन होती है कि जब आप अपनी लाइफ के साथ डील कर रहे हैं तो आपके बच्चों को कौन संभालेगा, यहाँ पर कार्ड्स कहते हैं कि आपके बच्चों को
बच्चों का ख्याल एंजल्स रख रहे हैं, ओके। अब बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो डेफिनेटली आपको घर में किसी ना किसी की मदद अवश्य मांगनी है, ओके, कि कोई आपका आपके बच्चे का बेबी सिटिंग कर सके। उसी के साथ आपको एंजल्स की सहायता लेनी है, ओके। कई बार लोगों को लगता है कि यू नो कि अगर घर में कोई नहीं है और आपने अगर एंजल्स को बोला है, फिर भी एंजल्स के भरोसे आप बच्चों को छोड़ सकते हैं, ओके। ये एक तरह का रिस्क है, ओके। और अगर आपके नेगेटिव कर्म भारी पड़ जाएंगे उस समय पर, तो शायद यू नो उस केस में यू नो आपके नेगेटिव कर्म आपके ऊपर हावी हो सकते हैं कुछ इस तरह से कि यू नो आपका माइंड ज्यादा उस परिस्थिति को कंट्रोल करेगा रादर देन कि एंजल्स उस परिस्थिति को कंट्रोल करें, ओके। तो चलिए, हाँ, अब देखते हैं जुलाई के महीने में क्या हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर कर सके। जुलाई के महीने में मुझे लगता है कि आप किसी तरह की यात्रा पर जा सकते हैं, किसी तरह का प्रवास कर सकते हैं। और या वो है, दूसरी बात आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि आप कहीं पर भी जाएंगे, आपके भीतर इस पूरे महीने के दौरान मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होने वाली है। और आपको कार्ड्स बताते हैं कि आपको बस विश्वास रखना है, आपको गॉड के ऊपर, जिसमें भी आप विश्वास करते हैं उस गॉड के ऊपर आपको विश्वास करना है कि वो आपके साथ रहेंगे, आपको मदद करेंगे इस परिस्थिति से ऊपर उठने की। प्रेयर आपको, प्रार्थना आपको करते रहना है। दूसरी बात आपको बताऊं कि सी यहाँ पर पहले तो जर्नी बताई गई है, ओके, यात्रा आप करेंगे ऐसा बताया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ और भी बताया गया है कि आपको काम के सिलसिले में यू नो काफ़ी दूर जाना पड़ जाए, जैसे मैंने कहा था कहीं पर एकाध एरिया में कि काम के लिए कहीं पर दूर जाना पड़ सकता है, कि जो यहाँ पर जुलाई के महीने में लग रहा है किसी दूर देश में भी जाना पड़ सकता है, यहाँ पर किसी दूसरे स्टेट में जाकर किसी तरह से कुछ सीखना पड़ सकता है कि जो है। दूसरी बात आपको बताऊं कि अपने आप को, आपको एंजल प्रोटेक्शन करना है आप जब भी आप ट्रैवल करते हैं तब, ओके। और सी एक और बात आपको बताऊं, अगर आपने ट्रैवलिंग के दौरान एंजल प्रोटेक्शन लिया है, ट्रैवल एंजल्स को पुकारा है, ये दोनों वीडियो आपके लिए इस वीडियो के नीचे रख दूंगी, तो ये नहीं है कि आपको हेलमेट नहीं पहनना है। सी कई बार लोग क्या करते हैं, बहुत अलग अलग तरह से माइंड, पता नहीं लोग अपना माइंड चलाते हैं कि अगर ट्रैवल एंजल्स की मदद मांगी है, अगर मैंने सही तरह से टेक्निक की है, अगर आपने सही तरह से टेक्निक की है, तो शायद आपको ट्रैवलिंग करते समय अपने सीट बेल्ट भी ना बांधने पड़े, हेलमेट भी ना लगाना पड़े। भाई ऐसा नहीं होता है। भौतिक शरीर को संभालने के लिए भौतिक आपको रूल्स ज़रूर आजमाने हैं, रूल्स ज़रूर फॉलो करने हैं, यहाँ पर एनर्जी वाइज आपको करना है, ओके, तो जो आपकी मदद करेगा। एंड या तो ये था आपके लिए जुलाई के महीने के लिए रीडिंग। और चलिए देखते हैं अब अगस्त का महीना, क्या बताता है कि आपके साथ क्या हो सकता है और वहां पर आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके भविष्य को और ज्यादा बेहतर बना सकता है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्ड बताते हैं कि सी यहाँ पर एक तो मुझे ये दो कार्ड्स को देखकर लगता है कि काफी ज्यादा जीवन में एक तरह से ठहराव आ जाएगा। और सी जीवन में जो ठहराव जो है, बहुत पॉजिटिव शब्द है, ओके, लेकिन यहाँ पर ये जो ठहराव है पॉजिटिव नहीं है। आपको काफ़ी हद तक अगस्त में लग सकता है कि काफ़ी चीज़ें यू नो बस थम गई है, जीवन रुक सा गया है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये दोनों कार्ड्स बताते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्ड, एक कार्ड ये भी आया है, ये बताता है कि स्टॉर्म वार्निंग, ये कहते हैं ना कि जब तूफान के पहले की शांति है तो जी हाँ, उसी तरह की है कि ये तूफान के पहले की शांति है। और जी हाँ, अगली बात आपको बताऊं कि एडमिट द ट्रूथ टू योरसेल्फ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड। जैसे यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी अलग अलग रीडिंग्स में बताया कि आपको एंजल प्रोटेक्शन करना है, यहाँ पर वही बात वापस करनी है, एंजल प्रोटेक्शन करना है। प्रेयर क्या है कि प्रोटेक्शन के लिए जो एंजल आर्कएंजल माइकल से आप कर सकते हैं, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग माई लव्ड वंस एंड मी, एंश्योरिंग दैट वी आर सेफ, मुझे और मेरे प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए शुक्रिया, और एंड दैट ऑल ऑफ योर नीड्स आर मेट, ताकि आपके और आपके परिवार के सभी लोगों की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी की जा सके। आई नाउ एक्सेप्ट योर हेल्प ग्रेटफुली एंड ग्रेसफुली, आप उनकी मदद बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होकर स्वीकारते हैं, और नोइंग दैट इट्स राइट फॉर मी एंड ऑल अदर्स टू एक्सेप्ट हेवनली असिस्टेंस, ओके। तो या तो मैं आपकी मदद स्वीकारता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी जो मदद है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब या
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। इसलिए अगली बात आपको बताऊं कि आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा समय हो सकता है, मतलब कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं उसके साथ कुछ अच्छा आप कुछ अच्छा समय बिता पाएंगे, या फिर अगर आप समय ना बिता पाए फिर भी आपका वो रिलेशन अच्छे से स्टेबल रह पाएगा। ओके और या एडमिट द ट्रुथ टू योरसेल्फ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, यहाँ पर किसी तरह की सच्चाई कुछ है कि जो आपको स्वीकारनी आवश्यक है। ओके और जब आप वो स्वीकारेंगे उसके बाद आपके लिए एक्शन लेना, किस तरह की एक्शन लेना है वो आसान हो जाएगा। ओके तो हाँ, तो ये था आपके लिए अगस्त का महीना, अगस्त में क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए। तो या और चलिए देखते हैं अब सितंबर के महीने में कार्ड क्या कहते हैं कि क्या हो सकता है। ओके सितंबर के महीने के लिए कार्ड्स बताते हैं कि एक तरह से पैसे, सी पैसे के लिए बताया गया है कि पैसे पकने का समय है। हम कहते हैं ना कि फसल उगा दी है लेकिन फसल अभी काटी नहीं है, इसलिए पैसे अभी नहीं आ सकते हैं, फसल को अभी आपको पकने देना है। ओके जो ये समय है और इसीलिए पैसे जो भी आपके पास है उसे आपको संभाल कर इस्तेमाल करने हैं, बहुत ही सुरक्षित रखने हैं, ज़रूरत ना पड़े तो नहीं स्पेंड करने हैं। अगली बात जी हाँ, अगली बात आपको बताऊं कि दिस सिचुएशन इज ऑलरेडी रिजॉल्व्ड, लीन ऑन गॉड एंड द एंजल्स फॉर सपोर्ट। ओके तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपकी कोई भी परिस्थिति, अगर कोई परिस्थिति बुरी है जो अगर सितंबर के महीने में हो सकती है तो आपको उसे इस तरह से एफर्मेशन में कहना है कि वो परिस्थिति सुलझ चुकी है। ओके उसका ये एफर्मेशन में आपको बोलना है, एफर्मेशन आपको रात को सोने से पहले 7 बार बोलना है, सुबह उठने के साथ 7 बार बोलना है। ऐसा क्यों करना है उसको डिटेल में मैंने एफर्मेशन के वीडियो में समझाया था, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। ओके लीन ऑन गॉड्स एंड द एंजल्स फॉर सपोर्ट। और जी हाँ, यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको आता है तो आपको गॉड और एंजल्स के साथ कनेक्शन करना है। और यहाँ पर देखो वापस एक कार्ड बताता है कि पैसे लिमिटेड रहेंगे, पैसे ज़्यादा नहीं है इस महीने में, और इसीलिए पैसे हो सके तो खर्च ना कीजिए। उसी के साथ साथ यू नो आपकी जो अलमारी है, आपकी जो सेफ है जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वो सभी जगह को अच्छे से सेफ्टी अच्छी तरह से सेफ तरह से रखना है आपको। ओके तो या तो ये था सितंबर के लिए रीडिंग, अब देखते हैं अक्टूबर के लिए रीडिंग। ओके अब अक्टूबर का महीना आपके जीवन में क्या ला सकता है, कैसा बदलाव ला सकता है वो देखते हैं। सबसे पहले कार्ड आपको याद दिलाता है कि आपको खुश होने के लिए याद दिलाना है अपने आप को, इसीलिए मुझे ये भी लगता है काफ़ी हद तक ऐसा भी हो सकता है कि जीवन में खुशियाँ आपसी खुशियाँ आएगी, जो कार्ड्स बताते हैं कि खुशियाँ आने वाली है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको खुश होना भी है। देखो मैंने कई बार ऐसे लोग देखे हैं खुश होने का अवसर है लेकिन वो खुश नहीं होते हैं, मुस्कुराते नहीं, कहते कि नहीं नहीं इसके बाद अगला जब सक्सेस मिलेगा उसके बाद खुश होंगे, अगर ऐसे आप राह देखते रहे तो कभी खुश नहीं हो पाएंगे। ओके तो इसीलिए अभी के अभी आपको जो भी आपके पास है, जो भी आपको सक्सेस मिला है, जो भी आपको किसी भी तरह की अचीवमेंट मिली है छोटी या बड़ी, उसमें आपको खुश होना है। कार्ड्स ये बताते हैं कि एक तरह से फेवरेबल आउटकम, एक तरह से एक ऐसा आउटकम है कि जो बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा, कुछ आपने कर्म किए थे, कुछ काम आपने किया था कि जिसका एक अच्छा सल्यूशन आपको मिल सकता है इस साल, इस महीने में या अक्टूबर के महीने में। और जैसे यहाँ पर ये कार्ड्स बताते हैं कोई अच्छा सा आइडिया आपको आ सकता है, कोई अच्छी सी पता नहीं कुछ अच्छा आइडिया आपको सूझ सकता है कि जो आपका जो पैसा है लंबे समय तक बहुत अच्छे से उस पैसे को इन्वेस्ट करता है, या फिर किसी तरह से आपके समय को इन्वेस्ट करता है कि वो समय बहुत ज़्यादा पैसे लेकर आ सकता है, कुछ इस तरह से आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट, या तो लिटरली पैसे का इन्वेस्टमेंट या फिर अपने आप को आप अपने नॉलेज को इन्वेस्ट करते हो, अपने आप को आप किसी कर्म में आप अपना समय इन्वेस्ट करते हो जो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा पैसे ला सकता है, तो जी हाँ वो है। और यहाँ पर कार्ड्स बता रहा है कि आपको धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। सी जब लाइफ में यू नो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि कुछ कुछ आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा धीरज की आवश्यकता है। लंबे समय के लिए अगर आपको कुछ स्टेडीनेस लाना है लाइफ में तो वहाँ पर तो धैर्य से ही काम हो सकता है, हड़बड़ी में नहीं हो सकता है। ओके अगली बात इनडिसीजन, काफ़ी ऐसा समय भी हो सकता है इस महीने में कि आप अच्छी तरह से डिसाइड ना कर पाओ कि
आपकी लाइफ में पता नहीं आपको अगला स्टेप क्या लेना है, अगला डिसीजन क्या लेना है, कौन से मोड़ पर आपको मुड़ना है, ये सारी चीज़ें आपको ना पता चल सके। अगर ऐसा हो फिर भी आपको धैर्य रखना है अपने साथ, बिकॉज लाइफ में हर किसी चीज़ के जवाब सभी को तुरंत नहीं मिल जाते हैं, कभी कुछ समय लगता है कि जो समय लगना आवश्यक है, ओके। और जब आप वो समय जब लगता है तो वो समय आपको भीतर से ज़्यादा आपको ग्रो करने में हेल्प करता है, ओके। तो ये था आपके लिए वीडियो अक्टूबर के महीने के लिए। चलिए अब देखते हैं नवंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है, क्या गुल खिलाने वाला है आपके जीवन में, ओके। तो या तो चलिए देखते हैं, उसके लिए सबसे पहली बात यहाँ पर काज बताते हैं कि ये जो महीना है उसके लिए आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा महीना है आपका। आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा समय बिता पाएंगे। दूसरा, ऑनर एंड ट्रस्ट योर फीलिंग्स। देखो आपको एक बात बताऊं जी, देखो यहाँ पर ये बात वापस बताई गई है आपके लिए खास, कि आप जो भी महसूस करते हैं आपको ईमानदार रहना है अपने खुद की भावनाओं के प्रति। कई बार मैंने ऐसे ही लोग देखे हैं कि जो पता नहीं क्या क्या महसूस करते रहते हैं लेकिन कभी अपने आप से स्वीकारते नहीं हैं। नहीं नहीं ऐसा तो ज़रा भी वो महसूस नहीं कर रहे हैं, ऐसा वो क्लियरली बताते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि अपनी भावनाओं को आपको बिल्कुल ईमानदारी से उस पर विश्वास करना है और आपको उसका रिस्पेक्ट करना है, ओके। दूसरी बात आपको बताऊँ कि कुछ नया ज़रूर हो सकता है इस महीने, यहाँ पर कुछ नया हो सकता है, किसी तरह का कोई नए आइडिया के ऊपर आप काम करना शुरू कर सके, ये भी हो सकता है। और जो भी आप करेंगे बहुत ही प्रेम पूर्वक करना बहुत आवश्यक है, ओके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत ही लविंगली उस चीज़ को करें। उसी के साथ यहाँ पर कार्ड बताता है कि मैन होल्डिंग अ कॉइन और एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। देखो यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कुछ अलग आपको रास्ते मिल सकते हैं, पैसे खर्च करने के कुछ अलग रास्ते मिल सकते हैं। कार्ड्स आपको ये बताता है पैसे संभाल कर यूज़ करने हैं। देखो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था इस रीडिंग के, जितना हो सकता है इतने पैसे को संभाल कर यूज़ करना है, बिकॉज ये जो साल है पैसा इकट्ठा करने के लिए, पैसे बहुत ज़्यादा बनाने के लिए नहीं है ये साल, और इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। चलिए देखते हैं दिसंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है, क्या गुल खिलाने वाला है दिसंबर का महीना आपके लिए। बहुत ही अच्छे गुड न्यूज़ तो ये है कि दिसंबर के महीने में कुछ ज़्यादा पैसे आ सकते हैं आपकी लाइफ में। आप कहेंगे अच्छा ज़्यादा मतलब कितने ज़्यादा, तो ये आपके कर्मों के ऊपर डिपेंडेंट है, आपके कैसे कर्म हैं, कितनी मेहनत आपने डाली है। अगर कुछ अच्छी कम मेहनत है तो कम पैसे आएंगे, किसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत डाली है तो बहुत ज़्यादा मेहनत का परिणाम मिल सकता है। दूसरी बात आपको बताऊँ कि ये महीने में काफ़ी लेवल पर आपको डिप्रेसिंग भी लग सकता है, ओके। किसी तरह का डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है कि जो आप महसूस कर सकते हैं। और दूसरी बात जो भी आप महसूस करें फिर भी आपको दुनिया का सामना करने के लिए आपको हमेशा तत्पर रहना है, और आपके लिए काफ़ी नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। जैसे मैंने कहा पैसे भी आ सकते हैं, और इसीलिए शायद ये भी है कि पैसे कमाने के लिए भी ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो उसके लिए भी आपको हमेशा रेडी रहना है, उसे स्वीकारने के लिए आपको हमेशा रेडी रहना है। द पर्सन यू आर आस्किंग अबाउट इज ट्रस्टवर्थी, ओके। तो जी हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पर इस महीने में कोई व्यक्ति है कि जिसके ऊपर आपको इतना विश्वास ना बैठे, ओके। आपको एक काम करना है कि रात को सोने से पहले आपको एक प्रेयर करना है आर्कएंजल माइकल को, कि आपके जीवन में जितने भी लोग जिस पर भी आप बहुत आसानी से भरोसा कर सकते हैं उससे आपको वाकिफ करवाए आर्कएंजल माइकल। ये सोने से पहले प्रेयर करना है, 3 बार प्रेयर करके सो जाइए, और आपको सुबह अब जब उठेंगे 3 दिन जब आप करेंगे, 4th दिन आपको पता चल जाएगा किस व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, किसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, ओके। और या उसके बाद टेक योर टाइम मेकिंग दिस डिसीजन। कोई ऐसा डिसीजन अवश्य है, कोई नई अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने आपसे कही कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ सकती है, उसी के साथ कुछ नया डिसीजन भी आपको लेना पड़ सकता है। और सी, कभी कभार डिसीजन इतने बड़े होते हैं कि उसको डिसाइड करने के लिए काफ़ी समय की आवश्यकता पड़ सकती है, तो कार्ड्स बताते हैं कि अच्छा समय लीजिए, ओके। लेकिन आपको काफ़ी डिप्रेस नहीं हो जाना है, गलत गलत बातें नहीं सोचना शुरू कर देना है। जब भी आपको कुछ नेगेटिव फील होती है आपको आर्कएंजल माइकल के साथ कनेक्शन करना है, और आपको उनको बताना है
क्या आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। और ये कार्ड कहता है अटैचमेंट का कार्ड, किसी भी गलत चीज़ से, किसी भी गलत भाव से आपको अटैच नहीं होना है। अगर आप गलत चीज़ से अटैच नहीं होंगे तो आपके लिए वो जो डिप्रेसिंग वाली जो फीलिंग है बहुत ही कम होगी या फिर बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग इस साल भर का। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। और जैसे मैंने आपसे कहा, सारे के सारे जो वीडियोस की मैंने बात आपको की, वो सारे लिंक्स इस वीडियो के नीचे मैंने आपके लिए रख छोड़ी है, ताकि आप वहाँ से वो सारे वीडियोस देख पाएँ, क्रिस्टल का स्टोर आप विज़िट कर पाएँ। तो ये है। दूसरी बात आपको बताऊं कि अगर आपको इच्छा है कि आप टैरो और एंजल कार्ड रीडिंग मुझसे सीखना चाहते हैं, तो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स है कि जो आप अपने समय के हिसाब से जब आप चाहे तब आप सीख सकते हैं। हाँ, मतलब आप अपने समय के हिसाब से उसे सीख सकते हैं। तो उसकी भी लिंक मैं नीचे इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी, जहाँ से आप उसकी सारी डिटेल उस वीडियो में उस कोर्स में जो जो आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, किस तरह का कोर्स है, कितना लंबा कोर्स है, वो सब कुछ वहाँ पर दिया गया है। ओके, बेसिकली आप यूजुअली सबको जानना होता है इंग्लिश में है या हिंदी में, तो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। और उसी के साथ साथ क्या क्या सिखाया जाएगा, वो सारी डिटेल आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, जिसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दी गई है। तीसरी बात, अगर आपको मुझसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग करवाना है, खुद का टैरो रीडिंग करवाना है, एंजल का रीडिंग करवाना है, तो टैरो रीडिंग, एंजल रीडिंग और न्यूमरोलॉजी रीडिंग, ये तीनों को मिलाकर एक कंसल्टेशन में देती हूँ, कि जो आप लेना पसंद करेंगे उसका लिंक, कहाँ से वो अपॉइंटमेंट बुक करना है, वो भी इस वीडियो के नीचे मैं डाल दूंगी। और जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो एक बार में पूरा आप समझ नहीं पाए या फिर पूरी तरह से आप याद नहीं रख पाए, तो वापस आप और वापस जब भी आप चाहे तो तब आप इस वीडियो को वापस देख सकते हैं। अपनी साइन वाले जितने भी लोग हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और जी हाँ, और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों के सवाल होते हैं कि आपको कांटेक्ट कैसे किया जाए, आप मुझे ईमेल के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे पता है ईमेल कितने ज़्यादा लोगों को करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको पता है कि अगर मैंने आपको फ़ोन नंबर दिया और अगर मेरे असिस्टेंट ने आपसे कहा कि नहीं मैडम बिज़ी है बाद में फ़ोन करना, अगर दिन में 50 बार आपको ये बात सुननी पड़ जाए तो शायद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। और इसीलिए मैंने फ़ोन नंबर शेयर ही नहीं किया है, बिकॉज अगर दिन के 100 कॉल अटेंड करने पड़ जाए तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। ओके, और असिस्टेंट से शायद किसी को बात नहीं करनी है, और इसीलिए मैं ईमेल एड्रेस में देती हूँ, ताकि आप मुझे लिखकर बता पाए आपकी आपकी जो भी आप बताना चाहते हैं। एक और बात, मुझे दिन में काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स मिलते हैं, इसी मुझे बहुत अच्छा लगता है आप मुझे ईमेल्स भेजते हैं तो, लेकिन मेरे लिए हर एक ईमेल का रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए बहुत ही कम ईमेल्स होते हैं कि जिसके रिप्लाईज मैं देती हूँ। ओके, तो जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ मैंने बताया, सबके लिंक्स इसके नीचे डाल दी गई है, इस वीडियो के नीचे। तो आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की सहायता कर पाएगा, तो ज़रूर उस व्यक्ति के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।